आपके साईं ने कहा है कि 100 तोला सोना नहीं, तुम्हारी बेटी के गुण देखकर तय होगा ये रिश्ता, नहीं ना? आप सच्चाई में जीना शुरू कर दीजिए। और सच्चाई यही है कि अगर हमारे पास 100 तोला सोना है तो ये रिश्ता तय होगा, नहीं तो नहीं होगा। निकालने की बात तो कह गए, लेकिन जिस तरह के वो लोग हैं ना, मैं लिख के दे सकती हूँ कि अगर कल तक हमने उन्हें 100 तोला सोना नहीं दिखाया तो वो अपने बेटे का रिश्ता कहीं और कर देंगे। मैं समझ भी सकती हूँ, 6 लड़के कहाँ रुकते हैं आज के, पर आप समझिए अपनी बेटियों की भलाई के लिए ये समाज सेवा और साई साई के नाम का जप छोड़िए। गंभीर होकर कुछ सोचिए, कुछ कीजिए। कहते हैं किस्मत जिसको कर्म का फल है, जीवन में कर्म योग का मार्ग ही अटल है। जो कुछ है हाथ में तेरे एक यही पल है, अच्छे कर्म किए जाए तो जीवन सफल है। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम। बाबा बाबा, क्या हुआ यमुना? बाबा वो जो कल आए थे लगता है चले गए। संभवतः प्रातःकाल ही निकल गए होंगे। बताइए, ये है भलाई करने का नतीजा? रात को जिसे शरण दी, इतना विश्वास किया, उन्होंने जाने से पहले एक बार बताना भी जरूरी नहीं समझा। कर्मयोग देख लिया, कर्मयोग का फल। थोड़ी दुनियादारी करना भी सीख लीजिए। कुलकर्णी सरकार, अब वही आखिरी उम्मीद है हमारी। आपके साईं ना, आपके साईं के ना आगे कोई है ना पीछे कोई, पर आपके हैं 3-3 बेटियां। तो जाइए और जाकर एक पिता का फर्ज निभाइए, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन कुलकर्णी सरकार से 100 तोला सोना लेकर ही वापस आइएगा। सरकार, मैं बिना बुलाए चला आया, इसलिए माफी चाहता हूं। मैं आज वापस जा रहा हूं। मैं केवल काम की तलाश में यहां आया था, और अगर काम की कोई भी संभावना बने तो आप मुझे बताइएगा, मैं वापस चला आऊंगा।
अहो, दूर का ही सही, माधव है तो आपका ही रिश्तेदार, मुश्किल दौर से गुजर रहा है। ब्याह हो गया है तो जिम्मेदारियां भी बढ़ गई हैं। अगर आप चाहेंगे तो उसे कोई ना कोई काम तो जरूर मिल जाएगा। अब तू सिखाएगी मुझे मुझे किसके लिए क्या करना है? बीज वही चुनने चाहिए जो फल दे। हरिओम। मालसापति जी, सौ तोला सोना सुनते ही मुझे लगा कि ये रिश्ता भी नहीं होगा। कहां से लाएंगे इतना सोना? पता नहीं कब बदलेगी ये प्रथा। जब बेटी की शादी एक बोझ नहीं सिर्फ खुशी की बात होगी। जब बेटी के रिश्ते की बात करने में पिता गर्व महसूस करेगा, डर नहीं। अमानवीय प्रथा है। लड़की नहीं चाहिए किसी को, लड़की के संस्कार नहीं चाहिए। क्या आवश्यकता है ऐसी प्रथा की? समाज में ऐसी कई सारी बातें जिनका ना कोई आधार है और ना ही आवश्यकता, फिर भी है। रोग है ये, और ऐसे रोग का इलाज करना जरूरी है। समाज से इस रोग को निकाल फेंकने का वादा तो नहीं कर सकता, हाँ पर इतना वादा जरूर कर सकता हूँ कि तात्या की शादी में हम दहेज नहीं लेंगे। लड़की वालों से भी यही कहेंगे जो हमेशा साई कहते हैं, कर्मयोग। अब हमारे परिवार के निजी फैसले भी उस साई के कहे अनुसार ही होंगे। हमारे समाज में सदियों से चली आ रही प्रथा को अगर वो बदलना चाहे तो बदले। तुम लोग क्यों समाज के दुश्मन बनते हो? इंसान अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से अपनी बेटी को दहेज देता है, इसमें बुरा क्या है, गलत क्या है? इसे भी तो दहेज लेकर ही लाई थी इस घर में, तो मैंने कौन सा पाप कर दिया? क्या ये यहाँ पे सुखी नहीं है? सच कहूं आई तो मुझे तो याद भी नहीं है कि मेरी शादी में क्या क्या दहेज आया था। मेरी खुशी मेरे पति से है, मेरा सुख मेरे बेटे से है, आपसे है। और फिर जहां दहेज दाम्पत्य में सुख का आधार बने, वहां विवाह विवाह नहीं बल्कि एक सौदा बन के रह जाता है। भिक्षाम दे, भिक्षाम दे। अल्लाह मालिक है। साई, मैं आपको धन्यवाद कहना चाहता हूँ। आपकी दी हुई औषधि से मेरी माँ अब स्वस्थ हो रही है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से पता नहीं क्या हो रहा है साई, एक के बाद एक मुश्किलों का तांता सा लगा हुआ है। एक खत्म नहीं होती है कि दूसरी टूट पड़ती है। पिछले कुछ दिनों से? जी साईं। तब तो तुम्हें खुश होना चाहिए अपनी किस्मत पर कि पिछले कुछ दिनों से ही मुश्किलें आ रही हैं, वरना लोगों का तो हर दिन संघर्ष से भरा, मुश्किलों से भरा गुजरता है। और सच तो ये है कि इस दुनिया में कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता। मुश्किलें आती हैं, टल जाती हैं, सुख आता है, वो भी गुजर जाता है। लेकिन जिस तरह सुख को स्थाई मानकर उसके मोह में पड़ने की भूल नहीं करनी चाहिए,
उसी तरह दुख, मुश्किल, तकलीफें, इन्हें भी स्थाई मानकर इनसे घबराने की भूल नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये दुनिया बनाने वाले ने दुख बनाया ही क्यों? दुख वो आईना है जो इंसान को दुनिया का असली चेहरा दिखाता है। सिर्फ दुनिया ही नहीं बल्कि खुद इंसान को भी अपने व्यक्तित्व, अपने चरित्र की असली पहचान कराता है दुख। सुख में धर्म का पालन करना आसान होता है। इंसान की असली परीक्षा तो तब होती है जब वो दुखों से घिरा होता है, जब उसे अपनी मुश्किलों से निकलने के लिए सही और गलत का फैसला करना होता है और उसकी परिस्थितियां, उसके हालात उसे गलत रास्ता चुनने पर मजबूर करते हैं। उस समय वो क्या फैसला लेता है, इससे पता चलता है कि वो इंसान क्या है। दुखों को परीक्षा समझ कर निभाते जाओ, सब बीतना है, सब बीतता जाएगा। तालुका के व्यापारी, सुखी रहेगी आपकी कन्या, ये विवाह अवश्य होना चाहिए। रिश्ते की कीमत भी तो है, 100 तोला सोना। मैंने अपना समस्त जीवन खंडोबाजी की सेवा में बिताया, कभी भी धन संचय करने की चेष्टा नहीं की मैंने। आज मेरे पास गिरवी रखने के लिए कुछ भी नहीं है। यो। खंडोबा के पुजारी से गिरवी रखने के लिए मैं कुछ मांग सकता हूं भला? ऐसा करना आप होगा भानसापति जी। आपके पुत्री का रिश्ता बन रहा है, अच्छा है। ये जितनी प्रसन्नता की बात आपके लिए है उतनी ही प्रसन्नता की बात पूरे शिरडी गांव के लिए है, मेरे लिए। अभी आया पर 100 तोला ही चाहिए ना, पड़ा है मेरे पास, अभी लाता हूं। आपकी पुत्री का विवाह मेरी पुत्री का विवाह, हरिओम। जरीना फूफी को खांसी की दवा चाहिए, मातरे काका की नाक ही बंद रहती है और गला भी खराब रहता है। गोलियां चीनो, सुमित्रा काकी, अल्ताफ भाई, इन सब ने अपनी अपनी परेशानियां लिख के भेजी है। ये तो समझिए बस मेरे गांव वाले हैं। इसके अलावा आसपास के कई गांवों में ये बात फैल चुकी है कि उस्मान को श्रीनी में एक फरिश्ता मिला है जिसने उस्मान के बेटे की बीमारी को सिर्फ एक दवा से हमेशा के लिए दूर कर दिया। आपका नाम ले लेकर मैं भी मशहूर हो गया हूँ। आपके गांव में कोई वैद्य, कोई हकीम नहीं है? मेरे ही गांव में क्या, कई गांवों में नहीं है, और अगर कहीं है भी तो वहां गरीबों की सुनवाई कहां। राम जी भला करेंगे, सबका इलाज, सबकी शिफा सिर्फ उस ऊपर वाले के हाथ में है। मैं तो बस उसका बनाया एक जरिया हूं। जाओ,
जाओ और कह दो अपने गांव वालों से शिरडी में सबका इलाज होगा। जो चब आना चाहता है आ सकता है, और बुलावा मुझसे नहीं जमीन से आएगा। विश्वास नहीं हो रहा है ना? हरिओम। आपसे एक बात पूछना चाहता था। आप मुझसे ये जो सहायता मांगने आए हैं वो केवल कुलकर्णी साहूकार से सहायता मांगने आए हैं या कुलकर्णी सरकार से भी? वो कुलकर्णी सरकार जो शिरडी के राजा है, वो कुलकर्णी सरकार जो शिरडी के वैद्य है और रक्षक भी। कुलकर्णी सरकार शिरडी को हर बुरी दृष्टि से और हर बुरे व्यक्ति की छाया से बचाना चाहते हैं। अचंभित क्यों है, उत्तर दीजिए। इतना कठिन प्रश्न तो मैंने नहीं पूछा आपसे। रियो, ऐसा है मालसापति जी, जिसके पास गिरवी रखने के लिए कुछ नहीं वो साहूकार के पास सहायता मांगने जाता नहीं। सरकार, मैं तो आपसे, मेरा मतलब है हमारे कुलकर्णी सरकार से सहायता मांगने आया। तो जाइए, कुलकर्णी सरकार के आशीर्वाद से अपनी कन्या का विवाह करिए। क्या नाम बताया था उसका? हाँ, यमुना। धूमधाम से विवाह कीजिए उसका। लीजिए। ये क्या है सरकार? अरे अभी अभी आपने स्वीकार किया ना कि कुलकर्णी सरकार शिरडी को हर बुरी दृष्टि से और हर बुरे व्यक्ति की छाया से बचाना चाहते हैं। अब ये कार्य मेरे लिए उतना ही असंभव है जितना आपके लिए आपकी कन्या का विवाह। शिरडी की जनता का सहयोग चाहिए मुझे। अब आप ये मत कह देना कि शिरडी की जनता से आप भिन्न हो। बारूद, सरकार का मैं क्या करूं? बताता हूं। बहुत ही सरल कार्य है, इसे लेकर आपको थाने जाना है।
और जाके थानेदार से कहना है कि ये आपको उस पाखंडी बैरागी ने दिया है। ये तो सत्य नहीं है। इसमें सत्य असत्य की बात कहां से आ गई महासभापति जी? ये शोरमोल क्यों? आप मेरे पास आए, आपने सौ तोला सोना मांगा, मैंने बिना पूछताछ के वो सोना आपके हाथों में सौंप दिया। संबंधों में आदान प्रदान होना चाहिए, है कि नहीं? शिरडी की स्वच्छता के लिए आपका सहयोग आवश्यक है। आपको जो कार्य सौंपा है उसे आप पूरा कीजिए और ले जाइए अपना पुरस्कार। सोना तो आजकल कोई भी दे देता है अपनी बेटी की शादी के लिए। तो कहिए ना अपने साईं से कि कहीं से 100 तोले सोने का भी इंतजाम कर दे, और अगर नहीं कर सकते ना तो साईं साईं की रट लगाना आप छोड़ दीजिए। कुछ भी हो जाए लेकिन कुलकर्णी सरकार से 100 तोला सोना लेकर ही वापस आइएगा। इसे लेकर आपको थाने जाना है और जाके थानेदार से कहना है कि ये आपको उस पाखंडी बैरागी ने दिया है और ले जाइए अपना पुरस्कार। जल्दी में है नहीं तो संभाल कर बहुत कीमती चीज है। आपको कैसे पता ये कीमती है? आपने अपने सीने से जो लगा रखा है। क्षमा कीजिए, एक जरूरी काम है मुझे। के सबसे करीब सबसे कीमती एक ही चीज है, दिल। बस उसे संभाल कर रखो तो संभालना अपने आप आ जाता है।
बाबा नहीं है अब तक? दिख रहे क्या कहीं तुझे? और अपना घर इतना भी बड़ा नहीं कि तेरे बाबा यहाँ खो जाए। किसी काम से बाहर गए हैं, अभी आते ही होंगे। रसोई में सब्जी चढ़ाई, जा देख हो गई हो तो उतार लेना। जा जी आई। क्या हुआ? कुलकर्णी सरकार से कुछ बात हुई? आप कुछ बोलेंगे भी? क्या हुआ है? आशापति जी, कुछ लोग आ रहे हैं आपके घर पे। कर्म फल से कोई भी मुक्त नहीं। नमस्ते। काका, कहाँ चले गए थे आप? वो भी हमसे बिना मिले। आपको मेरे हाथ की भाकरी अच्छी नहीं लगी क्या? यही है यमुना बेटी। अरे आप बाहर क्यों खड़े हैं? अंदर आइए। आइए। हाँ आइए। आइए। विराजी। सुबह बिना बताए चला गया, उसके लिए क्षमा। लेकिन बड़ी शीघ्रता थी अपने परिवार को लाकर आपसे मिलवाने की, यमुना से मिलवाने की। ऊपर वाले के तरीके निराले हैं मालसापति जी। कल रात को ही सोच रहा था कि मैं रास्ता भटक गया, लेकिन सुबह होते होते मुझे अपनी मूर्खता का एहसास हो गया था कि जिसे मैं भटकना समझ रहा था वो तो मेरे प्रार्थनाओं का ही सुफल निकला। ये हमारा बेटा है, बड़े अच्छे संस्कारों के साथ पाल पोसकर बड़ा किया इसे।
ईश्वर से रोज प्रार्थना करता था कि हे प्रभु, इसके विवाह के लिए सुंदर और सुशील कन्या मिल जाए, जो संस्कार और गुणों के धनी हो। यमुना से मिलकर मुझे विश्वास हो गया कि इससे अच्छी लड़की मेरे बेटे के लिए हो ही नहीं सकते। इसलिए आपसे यमुना का हाथ मांगने आया। और मैं वादा करता हूं कि यमुना हमारे यहां बहुत खुश रहेगी। धन्यवाद, पर वो हम दहेज। कोई दहेज भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। मालसा पति जी, आज यमुना का रिश्ता जरूर हो जाएगा। केवल इस प्रस्ताव को स्वीकार कर आप हम पर उपकार कर दीजिए। ये क्या कर रहे हैं? गले लगी। साई कितने प्यार से सो रहे हैं, पर ये धूप। साई के चेहरे को धूप से बचाने की कोशिश कर रही हूँ, पर ये धूप तो अजीब है। तो यहाँ सो रहा हूँ। ये सूरज की रोशनी आपके साथ साथ कैसे चल रही है फिर? आपका दोस्त है क्या? सूरज मेरा ही नहीं, सूरज तो सबका दोस्त है। मेरा तो कोई भी दोस्त नहीं है, मेरे साथ तो कोई भी नहीं खेलता है, इसीलिए तो मैं आपके पास आई थी। लेकिन आप तो आराम कर रहे हैं, तो मैं चलती हूँ। लक्ष्मी आओ, मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा। सच्ची? हाँ। हैं? गोली। अब जरा गिन के बताओ कितनी है। एक, दो, तीन, पांच,
तीन के बाद सीधे पांच, तो फिर चार कहाँ गया? चार पांच छः इसके आगे गिनती नहीं आती, तो सीखनी चाहिए है ना, पढ़ाई करनी चाहिए, क्योंकि शिक्षा सबसे बड़ी ताकत है। इन्होंने बताया था यमुना के बारे में, लेकिन आज यमुना से मिलकर यही लगा, जितना सुना कम सुना। अब क्या कहूँ, कौन ज्यादा भाग्यशाली है, आप दोनों कि आपको यमुना जैसी बेटी मिली, या यमुना जिसे आप दोनों जैसे माता पिता मिले। शगुन के लिए कल परसों आएंगे। अरे भाई साहब का, या ये भाई साहब का है, शेड़ी के पाटिल अप्पा जी की पत्नी और हमारी पड़ोसी। ये समझिए कि हमारा एक ही परिवार है। मुझे खबर मिली तो मुझसे तो रहा ही नहीं गया, इसलिए मीठा लेकर चली आई। सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत बधाई हो, बहुत खुशी का दिन है आज, और जब आए हैं तो शगुन करके ही जाइए, शुभ काम में देर क्यों। अब शगुन के लिए रुके तो घर लौटने में देर हो जाएगी। अरे तो आपको लौटने के लिए कौन कह रहा है, यही रुक जाइए बेटे के ससुराल में। शिरडी आपके बेटे के ससुराल के अलावा भी बहुत बड़ा है, और इनके पड़ोसी अच्छे लोग हैं, आपको कोई असुविधा नहीं होगी उनके वहां। देखिए मना मत कीजिएगा। महालसा पति जी दिखाई नहीं दे रहे, बाबा को कोई जरूरी काम याद आ गया तो वो चले गए। जरूरी काम? बेटी के रिश्ते की बात को छोड़कर चले गए, ऐसा क्या जरूरी काम हो सकता है? और आपका दबाव एक पल के लिए काफी हावी हो गया था मुझ पर सरकार। सालों से मेरे पेट में तकलीफ थी, लेकिन कुलकर्णी सरकार समय ही नहीं दे पा रहे थे, नहीं जांच हो पाई ना दवा मिली, लेकिन साई उनकी दवा लेने से मैं फिर से ठीक हो गई। ये सुना है कोई उस्मान आए थे दूर गांव से, उनके बेटे के कान में दर्द था, लेकिन साई ने उसे भी ठीक कर दिया। सबसे बड़ी बात कि साई को कोई तकलीफ बतानी नहीं पड़ती, वो सब कुछ जान जाते थे, जैसे कि कोई अंतर्यामी हो, और किसी में भेदभाव भी नहीं करते। हम गरीबों के लिए तो वैसे वो भगवान का रूप ही है। वो दो औरतें तो बस एक छोटा सा उदाहरण थे, फिर मैंने वहां जीवा को देखा, पागल जीवा जो अब बिल्कुल स्वस्थ हो गया है, बच्चों के साथ हंस खेल रहा था, मौनी जो अपने पिता के साथ जा रही थी। आपने ठीक कहा सरकार, शिरडी के उद्धार, शिरडी की रक्षा करने का संकल्प करने वालों में मैं हूं। आपने बिल्कुल सत्य कहा कि मुझे इस शिरडी से बहुत प्रेम है, और इसीलिए मैं इस पोटली को पुलिस चौकी में नहीं दे पाया, क्योंकि सच तो यह है
कि साई ही शिरडी का भविष्य सुधार सकेंगे। वो अभिशाप नहीं, वरदान बनकर आए हैं हम सबके जीवन में। तुम्हारी बेटियां कुंवारी रह जाएंगी दहेज के बिना। जब मैंने ये निर्णय लिया कि मैं साईं के विरुद्ध कोई झूठा कार्य नहीं करूंगा, तब मुझे भी डर लगा कि मेरी बेटी कुंवारी रह जाएगी। लेकिन फिर मैंने ये सोचा कि भले ही वो आजीवन कुंवारी रह जाए, लेकिन मैं उसके दहेज के लिए इस पूरे शीटी का सौदा नहीं कर सकता। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कुलकर्णी सरकार, दहेज देना कौन से पुण्य का कार्य है? असली अभिशाप तो ये है जिसके दोषी हम माता पिता हैं। क्यों हम इतनी जल्दबाजी में रहते हैं अपनी बेटियों को विदा करने में? क्यों हम डरते हैं कि उसे कोई दूसरा अच्छा लड़का नहीं मिलेगा? क्यों हम डरते हैं कि वो आजीवन कुमारी रह जाएगी? अगर शिरडी का उद्धार चाहिए, इस समाज का उद्धार चाहिए, तो सबसे पहले ऐसी कुप्रथा पर रोक लगनी चाहिए। नहीं तो बेटियों के माता पिता अपने जमीर को बेचने में विवश होते रहे और बड़े बड़े साहूकारों के आगे कर्ज में डूबते रहेंगे। मैं खुश हूं कि खंडोबा जी जो मेरी परीक्षा ले रहे थे, उस परीक्षा में रुक जाओ। मैं खुश हूं कि खंडोबा जी जो मेरी परीक्षा ले रहे थे, उस परीक्षा में मैं रुक जाओ। परीक्षा खंडोबा ने नहीं, मैंने ली थी मालसापति, जिसमें तुम सफल हो गए। आज मुझे विश्वास हो गया है, तुम पर कितना भी बड़ा संकट क्यों ना आए, तुम अपने आदर्श, अपने सिद्धांत, अपने मूल्य, अपनी मर्यादा का उल्लंघन कभी नहीं कर सकते। शिरडी के उद्धार के लिए मैंने जो योजना बनाई है, उसमें तुम जैसे व्यक्ति का मूल्य बहुत है मेरे लिए। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हारा सम्मान करना चाहता हूं। हरिओम। लो 100 तोला सोना तुम्हारे बेटी के लिए। धूमधाम से करना उसका विवाह। जिसके जीवन में साई का आशीर्वाद हो, उसके जीवन में 100 तोले सोने का क्या मोल है। मेरी बेटी का रिश्ता तय हो गया है कुलकर्णी सरकार, वो भी बिना दहेज के। यही है साई कृपा। शिरडी मेरे गुरु का स्थान है, मेरी माँ का घर है, और मुझे यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता।
पकड़ लिया शैतान। नहीं नहीं एक बार फिर से, एक बार फिर से, एक बार फिर से। नहीं नहीं एक बार फिर से। अब नहीं लक्ष्मी, आज के लिए काफी, घर जाओ, तुम्हारी माँ राह देखती हो, ठीक है? ठीक है। बिना मिठाई लिए ही आ गए। आप सिर्फ रोते ही रहोगे या कुछ कहोगे भी? ये क्या करने जा रहा था मैं साईं, ये क्या करने जा रहा था? मालसा पति, जो किया नहीं तो फिर उसके बारे में सोचना क्या? सबुरी सबुरी, मालसापति जी आप, मुझे लगा आप शगुन की तैयारियों में व्यस्त होंगे इसलिए मैं खुद ही चला आया। हाँ मैं साईं से मिलने आ गया था। यह है मेरे मित्र नाना साहेब, पड़ोस के गांव से आपके पलंग के लिए लकड़ियां लाए। साईं, जब से आपके बारे में सुना है तब से आपके दर्शन पाने की इच्छा थी, और आज ऐसे लग रहा है जैसे सारी इच्छाएं पूरी हो गई। राम जी भला करेंगे। काफी है। लेकिन साईं, एक लकड़ी से पलंग कैसे? जितना आवश्यक हो उससे अधिक लेने का मतलब है किसी की जरूरत को पूरा होने से रोकना। मेरे लिए यही बहुत है। मालसापति जी और शगुन की तैयारी कीजिए। और नाना साहेब। जी साईं। बरसों से सूना पड़ा आपका आंगन किलकारियों से गूंज उठेगा। मैंने तो आपको अपना दुख बताया ही नहीं, फिर आप मेरे मन की बात कैसे समझ गए? अल्लाह मालिक। जाइए नाना साहब, अपनी पत्नी से कहिए कि भगवान से ना रूठे, उसके घर देर है अंधेर नहीं। अवश्य कहूंगा साहब।
दादा, मैं तो पहले से ही जानती थी वो मालसापति किसी काम का नहीं है। सरकार, अब अगली चाल जल्दी चलनी होगी। ए, चुप कर। चाल 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 दादा, ये ढोंगी जो भी है ना, है बड़ा चतुर। देखो ना, देखते देखते सारे लोगों का इतना समर्थन मिल गया उसे। ऐसी चालें चलकर उसे यहां से निकालना संभव नहीं है। उसे तो मैं कुछ सोचती हूं। जहां चाल ना चले वहां जाल बिछाना पड़ता है। जू चाल मतलब सुनो, ध्यान से सुनो, सारे काम छोड़ के सुनो। सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है, तो शिरडी का भविष्य उज्जवल बनेगा। गांव के बच्चों के लिए एक विद्यालय खोला जा रहा है, ताकि सभी बच्चे उसमें शिक्षा पा सके। कुलकर्णी सरकार विद्यालय खुलवा रहे, वो भी अचानक। ए भाई, जब अच्छा काम होने जा रहा है तो उसमें तर्क क्या ढूंढना। जो भी है इससे अच्छा ही होगा शिरडी का। ये तो बड़ा ही नेक काम है, हमारे बच्चे भी शिक्षा पाएंगे। हाँ, पर ऐसा क्या हो गया है कि? अरे भाई, देर आए दुरुस्त आए, और क्या चाहिए। कुलकर्णी सरकार के आशीर्वाद से शिरडी सशक्त और शिक्षित बनने जा रहा है। कुलकर्णी सरकार की जय। कुलकर्णी सरकार की जय। कुलकर्णी सरकार की जय। ए ए ए, रुको, बड़े निर्लज्ज हो तुम लोग, फिर लौटाए सामान उठाकर। मन नहीं भरा कुलकर्णी सरकार की भटकार सुनकर। हमें सरकार ने ही बुलाया है। सरकार ने? आने दे चो, आने दे, मैंने ही बुलाया है इन्हें। कुछ सोचा है मैंने तुम्हारे बारे में? काम ढूंढ रहे थे ना? करोगे? अंधा क्या चाहे, दो आंखें, वेतन भी मिलेगा। सरकार, करना क्या होगा मुझे? समय आने पर बताऊंगा क्या करना है। ठीक ठीक है। अरे ओ, यसु मौशी, इन्हें इनका कमरा दिखाओ, सामान लेके जाओ अंदर। वो भी इसके लिए? कोई नई चाल सोची है क्या? अरे ओ, हाँ था ना जो, चाल नहीं चले तो जाल बिछाना पड़ता है। ऐसा जाल बिछाऊंगा कि वो पाखंड उसमें फंसेगा ही फंसेगा, और ऐसा फंसेगा कि निकल नहीं पाएगा। ओ,
जब हम आए थे यहां हमारा इतना अपमान किया और हमें निकल जाने के लिए कहा, फिर वापस बुला लिया। भामा, दूर के ही सही पर है तो हमारे रिश्तेदारी ना, दया आ गई होगी उन्हें हमारी परेशानी देखकर। धर्म एवा हतो हंती, धर्मो रक्षति रक्षिता, तस्मात् धर्मम् न त्यजामि, मानो धर्मो हतो वधीत। इसका मतलब समझती हूं? जो धर्म का नाश करे धर्म उसका नाश कर देता है, और जो धर्म की रक्षा करे धर्म भी उसकी रक्षा करता है। धर्म वो है जिसके लिए तुम्हारा जन्म हुआ है, जिसके लिए तुम इस दुनिया में आए हो। आग का अपना धर्म है, पानी का अपना, जानवरों का अपना धर्म है, और इंसान, इंसान का धर्म क्या है जानते हो? इंसान का धर्म है इस संसार को और बेहतर बनाना, समाज के उद्धार को अपने जीवन का लक्ष्य मानना और उस पर अमल करना। हमारे मजहब अलग हो सकते हैं, देश अलग हो सकते हैं, लेकिन धर्म, धर्म सिर्फ एक है। जिंदगी में कोई फैसला लेना हो और समझ ना आए कि क्या करना है, तो इंसानियत के इस धर्म को याद करना, एक दिए की तरह तुम्हें उस अंधेरे से बाहर आने का रास्ता धर्म जरूर दिखाएगा। विद्यालय, विद्यालय, लोगों को लग रहा होगा कि ये कोई स्वप्न है, लेकिन स्वप्न नहीं, स्वप्न का साकार होना है ये। उस स्वप्न का साकार होना जिसमें स्वयं खंडोबाज ने आकर मुझे दर्शन दिया और कहा, अपनी प्रजा की इतनी बड़ी पुकार आप कैसे नहीं सुन सके। फिर उन्होंने कहा, तुम्हारी प्रजा को शिक्षा की, विद्या की आवश्यकता है। आने वाली पीढ़ी पढ़ी लिखी हो, उन्नति करे, इसके लिए गांव में विद्यालय आवश्यक है। उसी क्षण मेरे नींद टूटी। मैंने संकल्प किया, चाहे जो भी कुछ हो गांव में विद्यालय खुलेगा ही खुलेगा।
पति से देखिए इसने मुझसे हिसाब मांगा, मैंने दिखा दिया, लेकिन बेचारा अनपढ़ गंवार कहां कुछ पढ़ सका। मुझे बहुत दुख हुआ इसके लिए, केवल इसके लिए नहीं, तुम सब लोगों के लिए। तुम सब अनपढ़ गंवार हो, अशिक्षित हो, लेकिन लेकिन तुम्हारे बच्चे आएंगे इस विद्यालय में पढ़ने के लिए, वो करेंगे बराबर से हिसाब, वो समझेंगे कुलकर्णी सरकार ने क्या कुछ नहीं किया शिरडी के लिए। हरिओम। कुलकर्णी सरकार की। अरे तभी बोलो, कुलकर्णी सरकार की जय। कुलकर्णी सरकार की जय। कुलकर्णी सरकार की जय। कुलकर्णी सरकार की जय। विद्यालय का शुभारंभ हो गया है, कल से विद्यालय शुरू हो जाएगा। शुभस्य शीघ्रम, शुभस्य शीघ्रम, शुभस्य शीघ्रम। शुभस्य शीघ्रम, अशुभस्य कालहरणम। शिरडी के लिए बहुत अच्छा होगा अगर आपको हर रोज ऐसे ही सपने आते रहें। कुलकर्णी सरकार की जय। कुलकर्णी सरकार की जय। झड़ा है, अपने विद्यालय में रख दीजिए, बच्चों के पानी पीने के काम में आएगा। अल्लाह मालिक, हरिओम। माधव जी,
ये है माधव, शिक्षित है, कल से यही पढ़ाएंगे इस विद्यालय में, और यही है इस विद्यालय के कर्ता धर्ता भी। विद्यालय कल से शुरू हो जाएगा, आप सभी लोग अपने अपने बच्चों का दाखिला करवा लीजिए, और अगर किसी का कोई भी सुझाव हो तो बिना किसी संकोच के आप मुझसे आकर मिल सकते हैं, कभी भी किसी भी समय। अरे चलो आई, मैं विद्यालय में भर्ती होना चाहती हूँ। चुप कर। अरे लेकिन आई मैं पढ़ना चाहती हूँ। ये विद्यालय हम जैसे लोगों के लिए नहीं है जिपरी। हम जैसे लोगों के लिए मतलब? इतने सालों में तो इतना भी नहीं समझ पाई कि हम लोग बाकी लोगों से अलग हैं। खेलना तक कोई पसंद नहीं करता है तेरे साथ, तो पढ़ेगा कैसे, ना ही पढ़ने देगा। ऐसा क्या है हम में कि कोई भी हमें अपने साथ नहीं रखना चाहता है? माधव, ये है तुम्हारा विद्यालय और घर भी। मुझे लगा था आप मुझसे गुस्सा है, इसलिए मुझे घर से जाने के लिए कहा, पर आपने जो मुझ पर कृपा की, काम भी सौंपा है तो इतना महान। ये तो नौकरी है माधव, असली काम तो कुछ और है। लौट कर बताऊंगा। हरि ओम। भाईजा प्रसाद। आई वो हाथ गंदे हैं। कोई बात नहीं, मुंह खोल। अरे खोलो। भाईजा। हाय। इधर आ। बैठ बैठ बैठ। आज मंदिर में सब किसकी बात कर रहे थे जानती हो? खंडोबा जी के मंदिर में तो खंडोबा जी की बात होती होगी ना? खंडोबा जी की बात तो रोज ही होती है, आज सब कुलकर्णी सरकार की बात कर रहे थे जानती हो। कुलकर्णी सरकार ने शिरडी में विद्यालय खुलवाया है, वो भी खंडोबा जी ने कुलकर्णी सरकार के सपने में दर्शन दिए और कहा विद्यालय खुलवाने के लिए। कितना पुण्य का काम है ना, हमें भी उनका साथ देना चाहिए। भाई अच्छे काम में साथ देने से तो हमने कभी मना नहीं किया, हमने कभी कुलकर्णी सरकार के खिलाफ कुछ नहीं किया है और ना ही कभी ऐसा कुछ करने की हमारी मंशा है, इसलिए हमसे जो भी बनेगा हम जरूर करेंगे। अब आप तैयार हो जाइए, हमें महालसापति जी के यहाँ जाना है ना, आज यमुना का साखर पुड़ा है, मैं जल्दी से आंगन साफ कर लेती हूँ। मंशा नहीं है ना कुलकर्णी सरकार के खिलाफ कुछ करने की, तो हमें अपने कर्मों से सिद्ध करना होगा। जब तक उस पाखंडी का साथ नहीं छोड़ेंगे ना, कुलकर्णी सरकार तो हमें अपना दुश्मन ही समझेंगे। हमें और किसी से क्या, सिर्फ अपना देखो और खुश रहो। आई, साईं भी तो अपना ही है, बेटा माना है मैंने उसे और उसने मुझे माँ। वो अपने ही मन का करेगी, मेरी एक नहीं सुनेगी ना। भाई साहब आप लोग अब तक तैयार नहीं हुए, यमुना के साकरपुड़ा पे जाना है ना? हाँ बस हम वही बात कर रहे थे, मैं तैयार होके आती हूँ। आई आप भी जल्दी से तैयार हो जाइए। हाँ। Thank you.
पैर रखे? रहने दीजिए। अरे जावाई बापू, रसम है, पूरी तो करनी पड़ेगी ना। रखिए। माता पिता आए और आगे की रस्म पूरी करें। बधाई आपको भी। हमारी यमुना को इतना अच्छा ससुराल मिला, और वो भी बिना दहेज के। मुझे तो विश्वास ही नहीं होता कि ऐसे हमारे भाग खुल गए। पर मुझे तो पहले से ही विश्वास था कि हमारी यमुना का रिश्ता हुआ तो बिल्कुल ऐसा ही होगा। साई ने जो कहा था। साई? ये साई कौन है? काश इतना आसान होता ये कह पाना कि साई कौन है। एक आभास है साई, शाश्वत सत्य का आभास। ना उन्हें समझा जा सकता है और ना ही परिभाषित किया जा सकता है। मैं इतना कह सकता हूं साई के लिए, वो खंडोबा की भेंट है हमारी शिरडी के लिए। आपकी बात सुनकर क्यों मुझे साईं से भेंट करने की इच्छा हो रही है? मैं आपको अवश्य ले चलूंगा, लेकिन मैं तो चाहता हूं कि आप साईं से मिले बिना ना लौटें। इसमें विलंब क्यों? अभी चलते हैं। जी क्या कहते हो, तुम भी चलोगे? देखा सबने, अभी से सब कुछ यमुना से पूछकर करने लगा ये। इन सारे लोग दाखिले के लिए, वो भी पहले दिन।
साई आप जानते हैं साई को? जब मैं रात को रास्ता भटक गया था तो उन्होंने मुझे रास्ता दिखाया। सुनिए, मैं कोपर गांव जा रहा था, रास्ता भटक गया हूं और रात भी बहुत हो चुकी है। समय ही बताएगा कि रास्ता भटक गए या रास्ता पा लिया। समय ही बताएगा कि रात हो जाना बेसबब था या नहीं। समय से बलवान कोई हुआ है क्या? जी नहीं, समय तो सब कुछ है। उस तरफ से पहला घर खंडोबा मंदिर के पुजारी महालसापति जी का है, वो आपकी मदद कर देंगे। ठीक है। तू ही याद आया भटके को तूने रास्ता दिखाया, तेरी महिमा मेरे साई। जिसे मैं संयोग समझ रहा था वो वास्तव में आपका आशीर्वाद था मेरी यमुना के लिए। साईं, मुझे क्षमा कर दीजिए। एक दहेज न दे पाने के डर ने मेरे मन को कितना विषैला कर दिया था, ये मुझे अब समझ आ गया। मुझे क्षमा कर दीजिए साईं, मुझे क्षमा कर दीजिए। कभी कभी अमृत को पाने के लिए विष का निकलना भी बहुत जरूरी होता है ना? और नीलकंठ की तरह अब हम सबके जीवन का विष पिए जा रहे हैं साईं। कितने अभागे हैं, क्या आपकी महानता के अथाह महासागर की एक बूंद भी नहीं देख पा रहे हैं। भागे हैं, यमुना को अपनी पत्नी के रूप में पाना सिर्फ तुम्हारे या यमुना के नहीं बल्कि तुम दोनों परिवार के अच्छे कर्मों का फल है। तुम लोगों में सुखों की अहमियत समझने का विवेक हमेशा बना रहे। मामा, ये खंडर में कौन रहता है? अरे आपको याद नहीं, वो जो सुबह आए थे फकीर जैसे, मटका भी तो देके गए थे। पर है कौन वो जो इतने सारे लोग मिलने आते हैं उससे? अब यहाँ पे हम आ गए हैं तो धीरे धीरे सब कुछ पता चल जाएगा। मुझे तो इसी बात की खुशी है कि आपको नौकरी मिल गई और हमें रहने के लिए घर। क्यों अध्यापक जी, नौकरी सोचा तो मैंने भी यही था, पर जानती हो आज सुबह कुलकर्णी सरकार ने क्या कहा? कि नौकरी तो ये है जो मैं कर रहा हूं, पर वो मुझसे कुछ और काम करवाना चाहते हैं।
मैं पानी लाती आई सरकार। यो हरियो आदाओ, कैसा लग रहा है नया घर नई नौकरी? उत्साह भी है और सच कहूं तो थोड़ी घबराहट भी। आपने और शिरडी के लोगों ने जो मुझसे उम्मीद रखी है, पता नहीं मैं वो पूरी कर पाऊंगा या नहीं, पर मैं इतना कह सकता हूं मैं जी जान लगा दूंगा इसमें। यो, तुमसे यही आशा है मुझे। सरकार, ये जो खंडर है इसमें कौन रहता है? क्यों? नहीं, ऐसे ही आज काफी लोग आए थे वहां उससे मिलने के लिए। कुछ विचित्र लगा ना? हरिओ, अब तुम ही बताओ माधव, कैसा होगा वो व्यक्ति जो अकेला रह रहा है खंडर में? और क्यों, क्या आवश्यकता है? ऐसा कौन सा कार्य है जो सबकी दृष्टि से दूर रहकर छुपकर खंडर में रहकर उसे करना पड़ रहा है? हरिओम, मैं माधव से अकेले में बात करना चाहता हूं। जी। माधव, माधव कौन रहता है खंडहर में बताओ? चोर, डाकू, क्रांतिकारी, अंग्रेज सरकार के शत्रु जो समाज में अराजकता फैलाना चाहते हैं, अस्थिरता लाना चाहते हैं, इसीलिए तो इस ढोंगी पर अंग्रेज सरकार को संदेह है। केवल शब्दों के जाल में उलझाता है। और तुम तो जानते हो हमारी प्रजा, भगवान से संबंधित कोई बात हो तो प्रश्न ही नहीं करती है। अंधविश्वासी लोगों का समाज है ये, मैं तो कहूंगा अंधों का समाज है। हमें समाज को सत्य दिखाना पड़ेगा माधव, और समाज को सत्य दिखाने के लिए माधव हमें प्रजा की आंखें, प्रजा के कान, प्रजा की नाक बनना पड़ेगा। अरे मैंने कहा था ना तुम्हें माधव, बताऊंगा तुम्हें तुम्हारा काम क्या है। यही है तुम्हारा काम है, उस पर दृष्टि बनाए रखना। ये देखते रहना कि उस बैरागी से मिलने कौन आता है, कब आता है, उसकी दिनचर्या क्या है, उसके प्रत्येक गतिविधि का लेखा जोखा चाहिए मुझे। और माधव, ये मत समझ लेना कि ये तुम मेरे लिए कर रहे हो, ये तो तुम अंग्रेज सरकार के लिए कर रहे हो, शिरडी के लिए कर रहे हो। हरिओ जो, ये लो, इससे नींद नहीं आएगी और तुम हमेशा सतर्क रहोगे। नहीं, इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
आपने मुझे एक बहुत बड़ा उद्देश्य दे दिया है। यदि अगर मुझे रात दिन जागना पड़े तो भी मैं जागूंगा। अगर वो सच में ढोंगी है, क्रांतिकारी है, डाकू है जो यहां भेस बदल कर छुपा हुआ है, तो जनता के सामने उसकी सच्चाई लाने में मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। रियो, डकैत, क्रांतिकारी, आपको सच में उसे देख के ऐसा लगता है कि वो ऐसा होगा? आज की दुनिया में कौन क्या है, किसकी असलियत क्या है, कहां पता चलता है? और फिर अगर अंग्रेज सरकार को उस पर शक है तो कोई ना कोई वजह तो जरूर होगी। अब आप ही बताइए, देखने में कितना भोला लगता है वो। अब कुलकर्णी सरकार ने कहा है तो नजर तो रखनी पड़ेगी। आहो, दूध। सामने नीचे था वो, अचानक से ऊपर कैसे चला गया? आपको कुछ वहम हुआ होगा, चलिए सो जाइए। ये बांसुरी की आवाज कहां से आ रही है? नर्मदा? हाँ नर्मदा, पूजा के फूल क्यों नहीं है? वो कल रात को बगीचे का किवाड़ खुला रह गया तो बकरियों ने सारे फूल खा लिए। अरे तो बगीचे में फूल नहीं थे तो तुम बाहर से ले आती। सरकार पूजा में बैठने ही वाले, उन्हें अगर फूल नहीं मिले तो? मैं अब भी लेकर आती। तुम रहने दो, मैं लेकर आती, तुम बाकी काम देखो। इतनी जल्दी फूल कहाँ मिलेंगे? सब तरफ फूल ही फूल हैं। फिर इतना सोचना क्या? ये माथे पे क्या लगा रही हो? बैराकी ने आशीर्वाद में फूल। बैराकी
ये लो। लेकिन मुझे तो लाल फूल चाहिए पूजा के लिए। भगवान सिर्फ भक्त की श्रद्धा देखते हैं, फूलों का रंग नहीं। भूख मेरी जान लेने पे तुली है और किसी को कुछ पड़ी नहीं है मेरी। वहिनी, 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 ओह, ए, कहाँ चली गई थी सुबह सुबह? वो पूजा के फूल नहीं थे, वही लाने गई थी। पूजा के ध्यान में घर के लोगों की पेट पूजा तो भूल ही गई है ना? बस एक बार पूजा खत्म हो जाए मैं नाश्ता बना देती हूँ। हाँ, फूल नहीं थे। कहाँ से भागते हुए आ रहे हो? भूत देख लिया क्या सुबह सुबह? फूल, फूल, गड़बड़। समिहन नमस्तुते, दुग्धं समर्पयामि। जलं समर्पयामि। चंदं समर्पयामि। पुष्पं समर्पयामि। भगवान को सफेद नहीं लाल फूल चढ़ाए जाते हैं, भूल गई? आज बगीचे में लाल फूल नहीं थे। तो नहीं करो पूजा, ऐसे उठ जाओ। भगवान तो भक्तों की श्रद्धा देखते हैं, फूलों का रंग नहीं। नहीं तो खा दो उस पाखंड में फूल देते समय। सरकार को बता देते हैं। हाँ समर्पयामि। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने पूजा में लाल के अलावा किसी और रंग के फूल चढ़ाए हो। अब जब दादा इन सफेद फूलों की पूरी कहानी सुनेंगे तो इस रुक्मिणी का क्या होगा? तुलसी समर्पयामि। फलम समर्पयामि। नैवेद्यं समर्पयामि। आराम से। काशीराम, अच्छा लगा तुम्हें स्वस्थ देखकर। सब सब आपका ही करम है साईं।
कर्म तो सिर्फ कर्मों का होता है काशी, लेकिन सिर्फ इस जन्म के नहीं, हमारे पिछले कई जन्मों के अच्छे कर्म कि आप हमारे जीवन में आए। गोदा ने मेरे मुंह की बात छीन ली साहब, थोड़ा चलने फिरने लायक हुआ तो सोचा आपको धन्यवाद बोल दूं। कल से कपड़ों का व्यापार दोबारा शुरू कर रहा हूं, नया जीवन, नई शुरुआत। आपके आशीर्वाद के बिना नई शुरुआत कैसे हो सकती है? आज तो कमाल ही कर दिया तुम दोनों ने। हमसे कुछ भी छुप नहीं सकता, हम शिरडी के कान और आंख हैं। लेकिन आपने सरकार को बताने क्यों नहीं दिया? बताऊंगी सही वक्त आने पर, तब तक तुम लोग मुंह मीठा कर लो। अरे लो ना, तुम दोनों के लिए तो है। इतनी सुबह यहाँ आना मतलब कुछ ना कुछ खबर तो लाया है। अरे माधव, सुबह सुबह विद्यालय छोड़कर तुम यहाँ? देखा अंता जी, हमें मिलने वाले लड्डू अभी से मिल रहे, सरकार का खास खबरी जो है। खबरी? ऐसे खबरी होने लग गए तो क्या बात है। सरकार से मिलना है, उन्हें कुछ बताना है मुझे। क्या मेरा मतलब है कुछ जरूरी बात है क्या? हाँ, उन्होंने कहा था कि अगर कोई खबर मिले तो बताना। खबर? क्या क्या खबर? साईं के बारे में। मुझे जीवन दान देने के बदले में मैं आपको क्या दे सकता हूँ? ये एक छोटी सी भेंट है आपके लिए, हम दोनों की तरफ से। ये एक कफनी है, आप इसे स्वीकार करेंगे तो हमें लगेगा जैसे आपका आशीर्वाद मिल गया। मेरी पोशाक बदलना चाहते हो काशीराम? साईं, बचपन से देखता आया हूं, माँ के पास एक भगवान कृष्ण की मूर्ति थी, माँ उसके लिए हमेशा वस्त्र बनाती थी, पहनाती थी। मैं पूछता था तो वो कहती थी, भक्त अपनी श्रद्धा के अनुसार, अपनी भक्ति के अनुसार अपने आराध्य के लिए वस्त्र बनाते हैं। आप भी तो हमारे लिए भगवान ही हैं। मेरी और गोदा की इच्छा है कि आप ये कफनी पहने। मना मत कीजिएगा, अगर आप ये कफनी स्वीकार करेंगे तो हमें लगेगा हमें आपका आशीर्वाद मिल गया। तुम दोनों का प्रेम है इसमें तो स्वीकार तो करना ही पड़ेगा। साईं, ये इतनी ऊपर किस लिए? रात को मैं इसी पर सोता हूं। इतनी ऊंचाई पर? पलक झपकते ही वो इतनी ऊपर उस तख्ते पर कैसे पहुंच गए? और उसके बाद मुझे अरे आगे भी बोलो। मुझे बांसुरी की आवाज सुनाई देने लगी, और सच कहूं तो वो आवाज सुन के मन को बहुत शांति मिली। ऐसा लगा जैसे एक अच्छे इंसान। हरिओम, यही करता है वो माधव, तंत्र मंत्र जादू टोना ये सब करके लोगों को वश में कर लेता है। लेकिन तुम अपने ध्येय से विचलित मत होना, पूरे शिरडी के उद्धार का दायित्व है तुम पर।
बात की गंभीरता को समझ रहे हो ना? अरे मुंह क्या ताक रहे हो? कुर्सी दो बैठने के लिए माधव को, जाओ। बैठो। अब नहीं नहीं सरकार, इसकी बैठो बैठो बैठो। माधव, ये संघर्ष है धर्म और अधर्म में, तुम पर निर्भर करता है विजय किसकी होगी। विजय तो धर्म की ही होती आई, और इस बार भी जीत धर्म की ही होगी। कुलकर्णी सरकार को कुलकर्णी सरकार बनाए रखने में दाएं और बाएं हाथ थे हम दोनों। सिर्फ हाथ ही नहीं, उनकी आंखें भी हमी थे, कान भी हमी थे, और नथुने भी हमी थे। वैसे उस माधव को आए हुए कि दिन भी कितने हुए, लेकिन नहीं, सरकार ने सीधा सर पे बैठा लिया उसे। हम तो बस उसके लिए कुर्सी लाने के लिए रह गए, सरकार का खास बन गया है वो। अगली बार कुर्सी लाने को बोला तो खीला लगा दूंगा। खीला लगाना ही है तो सरकार के विश्वास पर लगाओ और दिखा दो उन्हें कि हम भी क्या कर सकते हैं। सरकार के विश्वास पर खील? हाँ, सरकार के बिना कहे ही हम उस शाही पर नजर रखेंगे, और जो भी होगा उसकी खबर सरकार को सबसे पहले हम देंगे। दादा, दादा सुनो, गति बढ़ा लो दादा, वरना तुम पीछे रह जाओगे। क्या तात्पर्य है तुम्हारे कहने का चू? अरे दादा, वो तुमसे ज्यादा तेज है, तुम्हारे घर तुम्हारे परिवार तक पहुंच गया है वो। चू, जो कहना है वो स्पष्टता से कहो, पहले मत बुझाओ। भगवान तो सिर्फ भक्त की श्रद्धा देखते हैं, फूलों का रंग नहीं। भगवान तो भक्तों की श्रद्धा देखते हैं, फूलों का रंग नहीं। तो रुक्मिणी ने कहा था आज सुबह? नहीं दादा, उसने तो बस दोहराया था। पता है किसने कहा था? उस साई ने सुबह फूल देते वक्त। कौन सा फूल? वही सफेद फूल दादा, जो आज सुबह पूजा में तुमने अर्पित किए थे दादा। वो फूल साई ने दिए थे वहिनी को। रुक्मिणी को वो फूल साई ने? हाँ दादा। उस पाखंडी ने दिए फूल अर्पित किए मैंने अपने विष्णु को। हाँ दादा, तुम्हारे स्थान पर मैं होती ना दादा, तो इस बात से चिंतित होती कि तुम्हारी पत्नी अब उस साई की भाषा बोलने लगी है, और जब प्रजा ये देखेगी कि तुम्हारा परिवार ही अब तुम्हारे वश में नहीं है, तो फिर प्रजा कहाँ रहेगी दादा? ये तूने अच्छा नहीं किया रुक्मिणी, ये तूने अच्छा नहीं किया। हरिओम। साई, हमें एक वचन दीजिए, आपको जब भी किसी भी चीज की आवश्यकता हो निसंकोच हमसे कहिएगा, हम आपकी सेवा का कोई भी अवसर चूकना नहीं चाहते। मेरी सेवा करना चाहते हो तो पेड़ पौधों की सेवा करो, पशु पक्षियों की सेवा करो, मनुष्यों की सेवा करो, वही मेरी सेवा होगी। जरूर करेंगे साईं। चलते हैं साईं। चोर, डाकू, क्रांतिकारी, अंग्रेज सरकार के शत्रु,
इसीलिए तो इस ढोंगी पर अंग्रेज सरकार को संदेह है। अल्लाह मालिक। तुम्हारी पत्नी अब उस साई की भाषा बोलने लगी है, और जब प्रजा ये देखेगी कि तुम्हारा परिवार ही अब तुम्हारे वश में नहीं है, तो फिर प्रजा कहाँ रहेगी दादा? ये तूने अच्छा नहीं किया रुक्मिणी, ये तूने अच्छा नहीं किया। हरिओम। मेरे साथ विश्वासघात, मेरे नारायण के साथ चल। आप क्या बोल रहे हैं मुझे मुझे समझ में नहीं आ रहा। साई ने दिए थे वो फूल तुझे? सत्य या सत्य? सत्य। भगवान भक्त की श्रद्धा देखते हैं फूलों का रंग नहीं। ये भी साई ने कहा था सत्य या सत्य? सत्य। उसकी बात मेरे सामने तूने दोहराई, इसका अर्थ उसकी बात पर तुझे विश्वास था। सत्य या सत्य? सत्य। शुद्धि। आओ केशव आओ। ए तू क्या कर रही है यहाँ पे, चल निकल। तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? तुम यहाँ पढ़ाते हो क्या? क्या हो रहा है यहाँ पे? कुछ नहीं, भिक्षा मांगने आई है ये। भिक्षा नहीं, शिक्षा के लिए आई हूँ, पढ़ना चाहती हूँ। पढ़ना चाहती हो तो फिर बाहर क्यों खड़ी हो, अंदर आओ। ये बाहर इसके लिए खड़ी है क्योंकि ये यहाँ नहीं पढ़ सकती। ये किसने कह दिया आपसे? ये विद्यालय है, यहाँ हर कोई पढ़ सकता है। हर कोई में ये नहीं आती, समझे? गोबर के उपले बनाती है ये और इसकी माँ। ऐसे लोगों को आसपास भटकने भी नहीं देते यहाँ के लोग। इसके साथ कोई खेलता भी नहीं है, और कोई खेल भी ले तो घर जाके सबसे पहले नहा लेता है। और आप कह रहे कि सभी बच्चों के साथ पढ़ेगी ये? छी 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 छी। और ये तो लड़की है, लड़कियों को कौन पढ़ाता है? पार्टी है तुम्हारे पास? वो तख्ती जिस पे लिखते हैं वो जो उसके पास है पीछे। ये है तुम्हारे पास? नहीं है। तो जाओ पहले पार्टी ले आओ, फिर आ जाना पढ़ने के लिए, ठीक है? आजी आई, मैं बहुत थक गया हूं। खेलने कूदने की उम्र में इतना बिठा के पढ़ाएंगे तो क्या होगा? कल से विद्यालय जाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आजी आई कहती है कि हमें विद्यालय जाना चाहिए। रोज जाना चाहिए। और जब तुम विद्यालय से लौटोगे तो तुम्हारे लिए तुम्हारी मनपसंद खाने की चीज तैयार रखूंगी। सच? वादा है मेरा। लेकिन तुम्हें भी मुझे एक वादा करना है कि तुम पढ़ लिख कर समाज को सही दिशा दिखाओगे। समाज को सही दिशा दिखाने के लिए विद्यालय जाने की क्या जरूरत है? विद्यालय में ही तो विद्या मिलती है आई, और विद्या से बड़ी शक्ति कोई नहीं है। क्रांति लाना चाहती है शिरडी में। ये किसान का घर है, किसान की ताकत उसकी खड़िया और पटिया में नहीं होती, उसके खेतों में होती है। उसका बीज, उसके हल, उसकी मेहनत, यही मेरे बेटे ने किया है और यही तात्या करेगा।
आई, भविष्य में कौन क्या बनेगा ये उसके परिवार या उसके वंश से नहीं, बल्कि अगर उसकी अपनी क्षमता, उसके अपने स्वभाव या फिर उसके अपने फैसले से तय हो तो ये ज्यादा अच्छा रहता है। ऐसा नहीं है कि अनपढ़ इंसान सही फैसले नहीं कर सकता है, लेकिन अगर वो पढ़ा लिखा हो, शिक्षित हो, तो उसके लिए 100 दरवाजे और खुल सकते हैं। और इसलिए मैं चाहती हूँ कि तात्या विद्यालय जाए। ये क्या बना रहे हैं? चाहिए तुम्हें? ये मेरे किस काम का? मुझे तो पार्टी चाहिए, बना सकते हैं आप? क्या हुआ, पार्टी नहीं जानते आप? अरे वो तख्ती होती है ना काले रंग की, जिस पर सफेद खड़िया से लिखते हैं, जो विद्यालय में सारे बच्चों के पास है। वो जो गुरुजी है ना, उन्होंने मुझे तख्ती लाने के लिए कहा, तभी मैं विद्यालय में पढ़ सकती हूँ। आई तो तख्ती देगी नहीं मुझे, आप बना कर दे सकते हैं ना? कोशिश करने से कुछ भी हासिल किया जा सकता है, पहले तुम प्रयास करके देखो। ठीक है, लेकिन अगर मुझे नहीं मिली तो आप बनाएंगे ना मेरे लिए? मना मत करिएगा, मैं जानती हूँ आप कुछ भी कर सकते हैं। मैं चलती हूँ। आए, कहाँ घूमती फिरती है तू? इतना काम पड़ा है, चला हाथ बटा मेरा। मेरे 10-20 हाथ होते तो तुझे नहीं रोकती, जहां मर्जी जितना मर्जी जाके खेलती, लेकिन तेरे और मेरे 2-2 हाथ कम पड़ जाते हैं गुजारे के लिए। उस पर भी तू इधर उधर भटकती रहेगी तो कैसे चलेगा? अब तू वहीं खड़ी रहेगी, चला उपले बना। बाईजा अक्का के यहाँ उपले देने भी जाना है इसके बाद। आई, मुझे कुछ चाहिए। अरे हाँ, तेरे पैरों के लिए जूता ना, मैंने बाईजा अक्का से कहा है कुछ पुराना होगा तो तुझे दे देंगी। और तू जा रही है ना वहाँ, उनसे खुद ही मांग लेना। जूता नहीं आई, तख्ती चाहिए मुझे। तख्ती? वो लिखने वाली काले रंग की तख्ती होती है ना, विद्यालय में सारे बच्चे लेके जाते हैं। मुझे भी विद्यालय जाना है, पढ़ाई करनी है। क्या बोले जा रही है तू? विद्यालय, पढ़ाई, ये सब हमारे लिए नहीं झिपरी? क्यों नहीं है हमारे लिए? मैं मंदिर जाने के लिए कहती हूँ तो तुम कहते हो हमारे लिए नहीं है। मैं विद्यालय जाने के लिए कहती हूँ तो तुम कहते हो हमारे लिए नहीं है। जब खंडोबा हम सबके है तो मंदिर हमारे लिए क्यों नहीं? जब गांव हम सबका है तो विद्यालय हमारे लिए क्यों नहीं? जिन सवालों के जवाब नहीं होते ना, उनको पूछने का कोई मतलब नहीं है। चला उपले बना। पहले मुझे बता, तुम मुझे तख्ती दिलाओगे या नहीं? नहीं, और मैं ये आखिरी बार कह रही हूँ, समझी ना? इतनी बार प्यार समझाओ, समझती नहीं है तू? ठीक है, मत दिलाओ तख्ती, पर मैं विद्यालय में जाऊंगी और जाकर रहूंगी। जिपरी रुक, सुन मेरी बात। अपनी जिद में अपनी माँ को अकेला छोड़ देगी क्या? तेरे सिवा मेरा है ही कौन? अगले 3 दिन तू कोलू चलाएगी, उससे जो तेल निकलेगा उस तेल से मैं जलाऊंगा देवघर के दिए, तभी होगा शुद्धिकरण पूरे देवघर का। माँ, माँ,
ये किसने बांधा? टूटी आंख विवेक की लखे न संत जाके संग दस बीस है ताको चलो माँ नहीं केशव खोलू चला कि मुझे तेल निकालना है ना बेटा तुम अंदर जाओ मैं ठीक हूँ जाओ लेकिन ये तेल क्यों निकालना है माँ देखिए आपके हाथ में भी कितने छाले पड़ गए कितनी चिंता करता है तू मेरी लेकिन बेटा ये काम ना मुझे अकेले ही करना होगा है ना तुम अंदर जाओ मेरी चिंता मत कर मैं बिल्कुल ठीक हूं विश्वास करो मेरा अंदर जा साई देखे ना इसे क्या हुआ ना जाने कौन से कीड़े ने काटा है साई इसकी हालत बिगड़ती जा रही है साई इसे कुछ होगा तो नहीं साई सिर्फ मिट्टी अभी के लिए मिट्टी ही जरूरी है घर जाकर तुलसी के पत्तों का लेप लगा देना अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा ये कैसा है लजे सही कोई मलम नहीं सिर्फ मिट्टी और तुलसी के पत्ते हम सब ने जिंदगी को बहुत उलझा लिया है सादगी पर किसी को भरोसा ही नहीं रहा है हम भूल रहे हैं कि प्रकृति हमारी जननी है हमारे हर रोग हर पीड़ा का इलाज प्रकृति ने हमें दिया है जरूरत है हमें उसी विश्वास को जगाने की अल्लाह मालिक दिन भर लोगों का तांता लगा रहता है इस खंडर में और हर दिन आज सुबह भी तो आए थे कुछ लोग कुछ जड़ी बूटियां निकाल के दे दी उस फकीर ने उनको मुझे तो लगता है वो वैद्य है पर वेशभूषा से लगता है कि कोई फकीर हो मुझे तो समझ में नहीं आता वो है कौन अब तुम देखो ना खंडर में रहते हैं बड़े ही रहस्यमयी मालूम पड़ते हैं पर भामा कुलकर्णी सरकार से बड़ा वैद्य इस पूरे शिरडी में कोई नहीं है हमेशा से लोग उन्हीं के पास जाते रहे दवाइयों के लिए
तो फिर अब इनके पास क्यों आएंगे? सब पता चल जाएगा, पर मुझे अभी बहुत नींद आ रही है। अब आप भी सो जाइए। ठीक है। आज फिर बांसुरी की आवाज कहां से आ रही है? पंता जी, कभी आपका और मेरा इंतजार करते हुए देखा है सरकार को? लेकिन इस अध्यापक का रोज सुबह रात देखते सरकार है। खून खून होता है पंता जी, कितना ही पतला क्यों ना हो। अगर आप चाहते हैं कि कोई आपका इंतजार करे अंता जी, तो सबसे पहले उसके लायक बनिए। हमने कौन सी खबर लाके दी है सरकार को इतने दिनों में? नहीं ना, अब देखो कोई बड़ी बात बताने आया ही है, इसलिए तो कहने में इतनी देर लगा रहा है। अरे माधव, बोलो क्या देखा तुमने? ऐसे हाथ बांधे कब तक खड़े रहोगे? कहीं उस दिन की तरह तुमने उस ढोंगी को जादू टोना करते हुए तो नहीं देख लिया, जो देखकर तुम्हारा माथा वाथा घूम घूम गया है? अरे मौन क्यों हो, बोलो। शांत रहो चू। जादू टोना पर अनपढ़ लोग विश्वास करते हैं। माधव तो शिक्षित वर्ग से है, अध्यापक है, वो कहां ऐसे अंधविश्वासों में पढ़ने वाला है कि नहीं? और इसलिए मैंने इसको ये कार्य सौंपा है। अगर मैं इन्हें बता दूं कि मैंने क्या देखा तो ये मुझे ही पागल समझेंगे, लेकिन अब कुछ ना कुछ तो बताना पड़ेगा। हाँ, क्या सोच रहे हो? बैठो बैठो, बैठ जाओ, बैठो। हाँ, अब बोलो, जो बोलना है वो निसंकोच बोलो। सरकार, एक आदमी आया था साईं से मिलने के लिए। हाँ, उसके साथ एक औरत भी थी,
शायद उसकी पत्नी रही होगी। वो आदमी के हाथ में एक लकड़ी थी, उसके सहारे चल रहा था वो लंगड़ाते हुए। अरे काशीराम, आजकल शिरडी में वही एक तो है जो लकड़ी लेकर लंगड़ाते हुए चल रहा है। हाँ, वो काशीराम कपड़ों का व्यापारी। अरे ओ, खबर करना मेरी जिम्मेदारी थी तो इसलिए। लो, ये भी कोई बात है बताने की? हाँ ठीक है ठीक है, जाओ। सुनो, ऐसा ही अपना कार्य करते रहो और मुझे सूचित करते रहो। ठीक है सरकार। अरे ओ, दादा, एक बात मुझे बहुत परेशान कर रही है। मैं तुम्हारे ससुराल वालों से कोई बात नहीं करने वाला हूं। वो तुम्हें बुलाने क्यों नहीं आए मैं नहीं सोचता और ना ही सोचना चाहता। अरे नहीं नहीं दादा, मैं मेरे ससुराल वालों के बारे में नहीं सोच रही हूँ। तो मैं तुम्हारे बारे में सोच रही हूँ। दादा तुम शिरडी के मालिक हो, जो चाहे कर सकते हो। उस ढोंगी को यहां से निकालना मतलब चुटकी बजाने की देर है दादा। दो पहलवान जाएंगे, उसे उठाकर बाहर फेंक देंगे। फिर तुम इतना इंतजार किस बात का कर रहे हो दादा? सोचा तो कई बार वैसा ही करूं जैसा तू कह रही है, लेकिन जो मैं हृदय से सोचता हूं उसे विवेक से तोड़ लेता हूं। और मेरा विवेक ये कह रहा है उस फकीर ने पूरे शिरडी वासियों का विश्वास जीत लिया है। लोगों के मन में उसके प्रति बड़ी आस्था होने लगी है। और जहां आस्था होती है वहां बलपूर्वक कुछ नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आस्था की आग और भड़क उठती है। लोग तर्क नहीं सुनना चाहते हैं, उल्टा लोग ये सोचेंगे कि कुलकर्णी सरकार को कुछ भय था साईं से, इसीलिए उन्होंने उसके साथ ऐसा व्यवहार किया। लोग मुझे दुर्बल समझेंगे और उसका महत्व बढ़ जाएगा। साईं को शिरडी से बाहर फेंकवाना है तो उसके विचारधारा के साथ फेंकना होगा। शिरडी की सीमा से नहीं, लोगों के मन मंदिर से निकालना होगा उसे। ये होगा आज नहीं तो कल होगा। जिपरी, इतनी सुबह सुबह क्या कर रही है? अरे इतने सारे अपले बनाने के लिए तुझे किसने कहा था? तूने तो 2 दिन का काम एक ही दिन में कर दिया पगली। अब तुम्हें 2 दिन तक उपलों की चिंता बिल्कुल नहीं करनी पड़ेगी, है ना? 2 हाथों का चमत्कार देखा है? अब तो मुझे विद्यालय जाने की अनुमति दे दो। मैं दोनों काम करूंगी, तुम्हारा हाथ भी बटाऊंगी और पढ़ाई भी करूंगी। तुम्हें मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी, मैं वचन देती हूँ।
अच्छा वो जो तुम शाम को भाकरी बनाती हो ना, उसमें भी मैं तुम्हारा हाथ बटाऊंगी। ना तुमसे नया कपड़ा मांगूंगी, ना जूता, ना कोई खिलौना, ना कोई मिठाई और ना और कुछ, सिर्फ पढ़ाई और घर का काम करूंगी। वचन दिया है ना मैंने? बोलो ना आई, जा सकती हूँ मैं विद्यालय? तुम जब तक हाँ नहीं कहोगी मैं नहीं जाऊंगी विद्यालय। बोलो ना आई, जा सकती हूँ ना मैं? शरारत मत करना और मन लगा कर पढ़ना। भाईजाक का मैंने 6 उपले रख दिए हैं। 6 क्यों? मैंने तो 3 ही मांगे थे। 3 और बनाए थे आपके लिए। ठीक है तो 6 के पैसे लेती जाना। नहीं, पैसे सिर्फ 3 के ही दीजिए, बाकी 3 तो मैं ऐसे ही लेके आई थी। ठीक है। जिपरी, तुझे तख्ती मिली? तात्या, तुम जाओ बेटा। ये तुम्हारे 3 उपलों के पैसे और ये तख्ती। तात्या की पुरानी रखी हुई थी मेरे पास, अगर तुम इस्तेमाल करना चाहो तो। लेकिन तुम्हारी आई। आई से मेरी बात हो गई है, वो मान गई, और अभी तो मुझे तख्ती भी मिल गया, तो मैं विद्यालय में पढ़ने के लिए जा सकती हूँ। हाँ क्यों नहीं, ये लो। धन्यवाद भाईजाक का। ए, क्या समझाया था तुझे? चल जा यहाँ से, तू यहाँ नहीं पढ़ सकती। क्यों नहीं पढ़ सकती मैं यहाँ? अब तो मेरे पास तख्ती भी है। क्या तमाशा लगा रखा है तुम लोगों ने? चिल्लाओ मत, समझे ना? क्योंकि अगर सरकार तक ये बात पहुंची कि तुम क्या कर रहे हो तो क्या होगा बताऊं? लेकिन मैंने तो कुछ गलत किया ही नहीं। गलत नहीं किया है, समाज के नियम को तोड़कर आप इस लड़की को शरण दे रहे हो, विद्यालय में घुसने दे रहे हो इसे।
मर्यादा का उल्लंघन है ये, अधर्म है, पाप है ये। अगर सरकार को पता चला तो देखिएगा। सुनिए, मैं अंदर आऊं? मुझे अंदर आने दीजिए ना, मैं पढ़ना चाहती हूँ। ए, चल जा यहाँ से। चल ए, निकल। चल चल। मेरी तितली का दिल किसने दुखाया? वो बहुत बुरे लोग हैं। मेरी तितली का दिल किसने दुखाया? वो बहुत बुरे लोग हैं। मुझसे मेरी तख्ती छीने और उसे तोड़ दिया। माँ ठीक कहती है, मुझे विद्यालय जाने को नहीं मिलेगा, मैं कभी भी नहीं पढ़ सकती। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि शिक्षा तो सभी के लिए होती है ना। जो भेदभाव सिखाए वो शिक्षा नहीं। तू हमेशा पूछती थी ना कि मैं तुझे लक्ष्मी क्यों कहता हूं, क्योंकि लक्ष्मी के लिए कोई भी काम असंभव नहीं होता। वो किसी भी दुख को सुख में बदल सकती है, जैसे तुम। नहीं, मैं लक्ष्मी नहीं हूं। मैं किसी भी दुख को सुख में नहीं बदल सकती। सबूरी, अगर सबूरी रखेगी तो तख्ती भी मिलेगी और शिक्षा भी। कैसे मिलेगी? आओ। बैठो यहां। तुम्हारी तख्ती। क्या करूंगी ऐसी तख्ती का? मुझे तो पता भी नहीं चलेगा कि विद्यालय में क्या पढ़ा रहे हैं। दिखाया तूने भक्तों का बेड़ा।
अच्छा गुरुजी की आवाज कैसे सुनाई देने लगी? अच्छा लगता है साईं ने फिर से चमत्कार किया। अच्छा इया ता था दा अब सब बच्चे अपनी अपनी तख्तियों पर जो यहां लिखा है उसे लिखेंगे, ठीक है? चलो लिखो। मेरे पास तो लिखने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं कैसे लिखूं? बच्चों अब मैं इसे पढ़ूंगा और आप सभी लोगों को दोहराना है, ठीक है? क क क ख ख ख ग ग ग घ अंग अंग रुको तात्या रुको रुको मुझे पता है आज तुमने विद्यालय में क्या पढ़ा पर तू तो विद्यालय में थी ही नहीं। तुम्हारी तख्ती तो टूट गई थी ना, तुझे तख्ती मिली क्या? तख्ती तो मिल गई और इतनी बड़ी जो किसी भी झोले में नहीं आ सकती है। ऐसी कोई तख्ती होती है क्या? अच्छा चल बता हमने विद्यालय में क्या पढ़ा, अभी तेरा झूठ पकड़ा जाएगा। खा खा गा, घा, अंगा, चा, छा,
डा डा इंगा। ये सब तुझे कैसे पता? मुझे तो सब पता है। पंता जी, ये माधव के आने से हमारा थोड़ा तो बोझ कम हुआ है। अरे अंता जी, मैं हर दिन सोचता हूँ कि मैं आज आपको मूर्ख नहीं समझूंगा, लेकिन नहीं, आप हर दिन मुझे गलत साबित कर देते। जरा सोचिए, अगर माधव को साई के बारे में कुछ भी ऐसा पता चल गया जिससे सरकार को मदद मिले, तो हमें बोरिया बिस्तर बांधकर यहाँ से निकलना पड़ेगा। सोचिए, विद्यालय में ही पढ़ाना था तो पढ़ा तो मैं भी सकता था, लेकिन नहीं, सरकार ने मुझे नहीं चुना। चुना तो किसे? उस माधव को। क्यों? ये हमें सोचना चाहिए। ऐसा क्या है उसमें जो सरकार को हमें नहीं दिखा? पंता जी, माधव तो बड़ा आलसी निकला, तीसरे दिन ही बच्चों को छुट्टी दे दी। अंता जी, खंडर तो खाली है, यही मौका है, शायद वहां कुछ मिल जाए। अंता जी, क्या आप आज से पहले किसी तांत्रिक के अड्डे पे गए हैं? नहीं, और आप? हमारी योग्यता के ऊपर जो प्रश्न चिन्ह लगा है उसे मिटाना है, इसलिए चलते हैं। लेकिन साईं ने हमें पोपट बना दिया तो? जो डरा समझो मरा। आप बलवान हो और मैं बुद्धिमान, हम दोनों अगर साथ में हो ना तो कोई हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। हाँ चलिए। क्या क्या तुम मुझे खेत जोतना सिखा सकते हो? आइए ना। यहां पकड़ी। हाँ सेट 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 सेट। कुछ भी ऐसा नहीं है ना जो तुम नहीं करना चाहते हो। बायजा माँ, जीवन में जो कुछ भी सीख सकते हैं सीखना चाहिए, क्या पता कब कहाँ कैसे काम में आए। खाना रख रही हूँ, खा लेना। चल चल। चलो। पंता जी चलिए। चलिए। नहीं, पहले आप। नहीं, पहले आप। मैं चाहता हूँ सबसे पहले ये मौका आपको मिले। आपकी तरक्की होगी तो मुझे खुशी होगी ना। पहले आप। नहीं नहीं, कैसी बात कर रहे हैं आप? अगर हम दोनों में से किसी की तरक्की होगी तो पहले आपकी। पहले आप। नहीं, पहले आप। एक काम करते हैं,
दोनों साथ में चलते हैं। पंता जी, पूरा का पूरा खंडर तो खाली है, यहाँ क्या मिलेगा? देखते हैं, कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा। जी, यहां कुछ लिखा हुआ है। इस पाखंडी को पढ़ना लिखना आता है क्या? अंता जी, अपने परम मित्र श्री माधव जी का लिखा भी पहचान नहीं पा रहे आप? ये तो माधव का लिखा हुआ है। का मतलब माधव? हाँ, सही समझा आपने। मर गई। भाईजा, तात्या, कोई है? अप्पा कहाँ? पानी तो पिला दो कोई। तात्या जा जल्दी पानी ला। आई, क्या हुआ आपको? मैं जब घर से निकल रही थी तब तो आप ठीक थी, अचानक क्या हो गया? तुझे क्या लगता है ढोंग कर रही हूं मैं? तुझे मेरी परवाह नहीं है ना, तो मत कर। कोई बात नहीं, अपने बेटे को तो घर पे छोड़ जाया कर, वो मेरा ध्यान रखता है। सुबह से तेरा नाम ले रही थी, तुझे याद कर रही थी, पर तू भी क्या करे, तेरे पास भी कहां समय होता है। विद्यालय के चक्कर में तू कल से नहीं जाएगा, मैं अप्पा से बात कर लूंगी। तू अंदर जा तात्या। लीजिए। आई, पीजिए। उसे क्यों अंदर भेज दिया? क्या वो मेरा कुछ नहीं लगता? दो क्षण अपने नातू से बात कर लूंगी, वो भी गवारा नहीं है तुझे? आई, मैं जानती हूँ आप मुझसे नाराज हैं, मुझे आने में देर हो गई इसीलिए ना, लेकिन जानबूझ के देर नहीं की है मैंने। अच्छा, मैं आपसे माफी मांगती हूँ, माफ कर दीजिए मुझे। आपके खाने का समय हो गया है, मैं खाना परोसती हूँ, उसके बाद जब मैं आपके बालों में तेल लगाऊंगी ना, तब आप आराम से तात्या के साथ बैठकर बात कीजिएगा। मुझे कुछ नहीं खाना, भूखा रहने दो मुझे। क्या हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा मर ही जाऊंगी ना। अच्छा है, तुम लोग चैन से तो रहोगे। तो कुछ नहीं खाएंगी आप? ठीक है, तो मैं भी नहीं खाऊंगी। आपके प्राण जाएंगे, मेरे भी जाएंगे, दोनों साथ साथ जाएंगे। मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ कहीं भी, वैसे भी मैं तो स्वर्ग जाने वाली हूं, तू कहां चली मेरे साथ? आई बड़ी मेरे साथ जाने वाली? तुम्हारे साथ जाने से तो अच्छा है मैं खाना खा के जिंदा रहूं। हाँ, पक्का? ठीक है, पहले मेरे वालों पे तेल लगा दे, बाद में खाना खाऊंगी। और तुझे भूखे रहना ना, तो शौक से रह। सरकार, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये दोनों क्या कह रहे हैं। अच्छा, अब अरबी या फारसी में तो नहीं बोल रहे हैं ये बेचारे, जो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। बात सीधी है, जो तुम विद्यालय में पढ़ा रहे हो वो सब उस खंडर की दीवार पर लिखा हुआ है, और वो भी तुम्हारी लिखाई में। अब इसका जो मतलब मुझे समझ में आ रहा है वो ये है कि मेरे दादा के साथ तुमने विश्वासघात किया है, वो भी उस ढोंगी के साथ हाथ मिलाकर। ये सच नहीं है सरकार, मैं आपका एहसानमंद हूं,
आपने मुझे नौकरी दी, वो भी पढ़ाने की। इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है आपने मुझे, मैं आपके साथ कभी धोखा नहीं कर सकता। उस दिन ये क्या कह रहे थे हमसे पता है सरकार आपको? क्यों नहीं पढ़ सकती वो लड़की इस विद्यालय में? हमारे लाख समझाने के बाद भी इन्होंने उस लड़की से क्या कहा पता है आपको? जा जाकर तख्ती लेके आ। वो तो हमने सरकार आपका वास्ता दिया इसलिए ये रुके। ए? कौन सी लड़की? कहीं ये वो लड़की तो नहीं जो दादा केशव कह रहा था कि कोई झिपरी नाम की लड़की है जो कह रही थी कि जो विद्यालय में पढ़ाया जा रहा है वो सब वो भी पढ़ रही है? हाँ हाँ वही झिपरी। दादा ये वही लड़की है जो गलती से अगर छू जाए तो स्नान करना पड़ता है। हरि ओम। हे देवा। सच सिर्फ ये है कि मैंने उस दीवार पर कुछ नहीं लिखा। इस संसार में कुलकर्णी सरकार का अपने संबंधियों पर से विश्वास सबसे अंत में उठेगा। हरिओम। तुमने नहीं किया है तो पता करो उस दीवार पर जो भी लिखा है वो किसने लिखा है और क्यों लिखा है। जाओ। सुनो, अंग्रेज सरकार और मुझ में एक समानता है, दोनों को भी बिट पीछे छुरा भोंकने वालों से घृणा है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया सरकार। प्रमाणित करना तुम्हारा दायित्व है माधव, और ध्यान रहे परिणाम वही आना चाहिए जो मुझे अपेक्षित है। हरि ओम। दो माई, अहो भागती रहती हो ना, इसीलिए जंजीर लाया हूं तुम्हें जकड़ने के लिए। अय्या बहुत सुंदर है। हाँ सुंदर तो है, लेकिन इसकी सुंदरता तब है जब तुम इसे पहनोगी। क्या कर रहे हो आप? घर में भाभी जी है, देख लेंगी, सब हंसेंगे मुझ पर। लेकिन अगर तुमने अभी के अभी से नहीं पहना तो मेरा दिल दुखेगा। भिक्षा दो माई। कैसी लग रही हूं मैं? बहुत सुंदर लग रही हो। महंगी होगी ना बहुत? महंगी का तो पता नहीं, लेकिन अब ये अमूल्य हो गई है। माई भिक्षा दो माई। वो बैरागी राह देख रहे होंगे।
सुनिए, ये लीजिए। अब भिक्षा नहीं ले सकता माता। रुकिए, मुझे माफ कर दीजिए, वो मैं घर के कामों में उलझी थी इसलिए देर हो गई। भिक्षा का विधान कहता है माता कि एक बार चौखट छोड़ दी फिर भिक्षा नहीं ले सकते। लेकिन हमारी ऐसी मंशा नहीं थी। कृपया भिक्षा लिए बिना मत जाइए, हमें दुख होगा। संसार में कुछ नियम हैं जिनका पालन करना जरूरी है। मैं फिर आऊंगा, राम जी भला करें। आपने कुछ किया ही नहीं है तो परेशान क्यों है? सरकार भी समझ जाएंगे। पर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आखिर मेरे ऊपर ऐसा इल्जाम लगा ही क्यों? अंताजी पंताजी को मुझसे क्या बैर? जो झूठ बोलेंगे, और अगर ये सच भी है साईं भी ऐसा क्यों करेंगे फिर? अंताजी पंताजी झूठ क्यों बोलेंगे ये तो वही जाने। मैं तो बस इतना जानती हूँ कि आपको ये काम मिला है पढ़ाने का, अच्छा काम है, आपके मन अनुसार भी है। ये काम हाथ से नहीं जाना चाहिए। एक बात बोलूं, आपको ना एक बार साईं से बात करनी चाहिए इसके बारे में। भामा, तुमने वो बात कह दी जो मैं सोच रहा था। बिल्कुल बात करनी चाहिए। जानती हो भामा, साईं के बारे में अब तक मुझे जो भी एहसास हुए या जो भी मैंने महसूस किया है वो बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा कुलकर्णी सरकार कहते हैं। मुझे लगता है अगर मैं साईं से बात करूंगा तो मुझे कोई ना कोई हल जरूर मिल जाएगा। तो फिर देर क्यों करनी, आज ही मिलिए। क्या जाने नियति में क्या है। ठीक कहती हो तुम। ये तो मेरी ही लिखावट है, ऐसा कैसे हो सकता है? गुरुजी रुकिए, मेरा लिखना बाकी है। और ये अक्षर तो मिटा हुआ है, ठीक जैसे मैंने मिटाया था। चमत्कार, चमत्कार है ये। नहीं, चमत्कार नहीं, दो इच्छाओं की शक्ति जो असंभव को भी संभव कर देती है। मैं कुछ समझा नहीं। एक गुरु जो शिष्य को पहचान तो गया है पर उसे स्वीकार नहीं कर पा रहा है, और एक शिष्य
जिसे गुरु मिल तो गया है, पर गुरु और उसके बीच समाज के बंधन है। उस गुरु और शिष्य के बीच दूरी मिटाने का यह सिर्फ एक माध्यम है। जिस दिन वो दूरी मिट जाएगी, माध्यम भी अपने आप ही खत्म हो जाएगा। गुरु और शिष्य, ये किसकी बात कर रहे हैं आप? गुरु और शिष्य की ही बात कर रहा हूं माधव। गुरु जो जीवन में आए तो शिष्य के जीवन में बांसुरी की मिठास गूंजने लगती है, प्रकृति भी जश्न मनाने लगती है, अंधेरा दूर होने लगता है। आंखें बंद करोगे तो पाओगे इसका जवाब। महसूस करोगे इस संबंध और गुरु अगर शिष्य को पहचानने के बाद भी उसे स्वीकार ना करे तो गुरु अपने धर्म का पालन नहीं कर रहा है। गुरु का धर्म क्या है? शिष्य में ज्ञान का बीजारोपण करना, उसे पोषित करना, शिष्य की रक्षा करना, उसे संरक्षण प्रदान करना, उसके अज्ञान के अंधेरे को दूर करना, दुख के भय और सुख के मोह से दूर ले जाकर उसे संतोष की राह दिखाना, अपने शिष्य को पूर्णता और संपन्नता की राह पर ले जाना। देखिए अब आपसे मैं अपनी मजबूरियां क्या कहूं, लेकिन बड़ी मुश्किल से मुझे ये नौकरी मिली अध्यापक की, मगर आपने जो ये किया है ये चमत्कार मेरे लिए तिरस्कार बन गया है। मुझे शक की नजरों से देखा जा रहा है। आपसे एक विनती है, आप ऐसा ना करें, मैं उसे विद्यालय में दाखिला नहीं दे सकता। क्या झिपरी को विद्यालय में पढ़ने का अधिकार है या नहीं? देखिए वो मैं आप अधिकार नहीं है तो क्यों? क्योंकि वो लड़की है या वो समाज के ऐसे वर्ग से आती है जिसे समाज अपने बराबर का नहीं समझता? मैं ही ये बातें नहीं मानता हूं। शिक्षा सबको मिलनी चाहिए, पर मैं यहां समाज के नियमों को बदलने नहीं आया, और ना ही मैं बदल सकता हूं। तो फिर शिक्षा का उद्देश्य क्या है? तुम्हारे अध्यापक होने का उद्देश्य क्या है? अध्यापक वो होता है जो अपने छात्रों में कोई पक्षपात ना करे। अगर आप उसको पढ़ाना चाहते हैं तो बिल्कुल पढ़ाइए, मुझे इसमें कोई एतराज नहीं। मेरा झिपरी को पढ़ाना समस्या का समाधान नहीं है माधव, बल्कि समस्या को तुम्हारी नजरों में लाना है। विद्यालय के द्वार जब बेटियों के लिए खुलेंगे तो समाज जागरूक होगा, हिम्मत आएगी बेटियों में और उनके घर परिवार वालों में भी।
हिम्मत आएगी समाज के उस वर्ग में जिसे समाज हमेशा अपने से नीचा समझता रहा। आत्मविश्वास पैदा होगा, स्वीकृति की भावना आएगी उनमें, बराबरी का एहसास होगा। साथ ही ये संदेश पुरुषों में जाएगा कि स्त्रियां उनसे कहीं कम नहीं हैं। बेटियां पढ़ेंगी तो ही समाज बदलेगा, समाज आगे बढ़ेगा। अब अगर ये कार्य शिक्षा के माध्यम से नहीं होगा तो कहां होगा? इस विद्यालय को खोलकर तुमने नौकरी नहीं की है, बल्कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी अपने हाथ में ली है। इस जिम्मेदारी को निभाना अब तुम्हारे हाथ में है, अपने धर्म को निभाना अब तुम्हारे हाथ में है। फैसला तुम खुद कर सकते हो। ये कुछ और नहीं, साईं का चमत्कार। विद्यालय में जो कुछ भी पढ़ाता रहा मैं, सब खंडर की दीवार पर अपने आप लिखता चला गया, सिर्फ छिपरी के। इसीलिए विद्यालय में केशव ने जो कुछ भी पढ़ा वही साथ साथ में छिपरी ने खंडर में बैठकर पढ़ा। मैं जानता हूं तो सच कह रहा है माधव, वो है ही ऐसा, काला जादू करके लोगों को कहता है चमत्कार हो गया। चाहता क्या है वो? शुभस्य शीघ्रम अशुभस्य कालहरणम। उस दिन तो सबके सामने विद्यालय खुलने पर बड़ी प्रसन्नता दिखाई थी उसने। हो सकता है उसके पश्चात उसने अपनी काली बुद्धि का प्रयोग कर छिपरी को अपना माध्यम बना लिया। चाहती क्या है छिपरी? पढ़ना चाहती है सरकार, और साईं का कहना है कि छिपरी को विद्यालय में पढ़ने की अनुमति मिलनी चाहिए। अरे ओ, तो ये चाल है गांव के सामने अपनी छवि को अच्छा करना चाहता है वो। हरिओम। माधव, उस लड़की को विद्यालय में पढ़ने की अनुमति दे दो। क्या दादा? दादा ये क्या कर रहे हो तुम? वही कर रहा हूं जो सही है। मुझे उसकी चालें स्पष्ट होती जा रही है। अब समझ में आ रहा है वो क्या खेल खेल रहा है। सबसे पहले वैद्य बनने का ढोंग कर लोगों को प्रभावित करने का प्रयास किया उसने। स्वागत है तुम्हारा काशी। उसके बाद मालसापति को अपने पक्ष में ले लिया। मेरी बेटी का रिश्ता तय हो गया है कुलकर्णी सरकार, वो भी बिना दहेज के। यही है साई कृपा। और अब ये लड़की, उस लड़की को शिक्षा का अधिकार दिलवाना चाहता है वो। एक तो अछूत ऊपर से लड़की, दोनों को शिक्षा का अधिकार दिलवाकर सामाजिक व्यवस्था को बिगाड़ना चाहता है। उसकी ये चाल मैं सफल नहीं होने दूंगा। लेकिन कैसे दादा? अभी तो तुमने इससे कहा ना कि उस अछूत को दाखिला दे दो। यही तो मेरी चाल है चू, उसके चाल के उत्तर में। यदि मैं इस बार विरोध करूं उस लड़की के दाखिले का, तो हो सकता है कुछ लोग मेरे इस निर्णय से सहमत ना हो।
और साई का समर्थन करें और मेरा विरोध साई का महत्व पोषित करेगा। इसलिए मैं साई की इच्छा का मान रखूंगा और उस अछूत कन्या को अवसर दूंगा शिक्षा प्राप्त करने का। लड़की और जाति की समस्या ना बनकर पात्रता योग्यता की समस्या बनके समाप्त हो जाएगी। लेकिन कैसे सरकार? लड़की को विद्यालय में प्रवेश चाहिए ना, तो उसके प्रवेश के लिए उसकी एक छोटी परीक्षा ले लो। अगर वो परीक्षा पार कर लेती है तो मिल जाएगा उसको प्रवेश विद्यालय में। परीक्षा तुम लोगे माधव, और ऐसे कि उसमें वो कभी उत्तीर्ण ना हो सके। अब तक जो पढ़ाया नहीं उस पर आधारित प्रश्न पूछना उससे। उसके माँ बाप क्या करते हैं? पिता तो नहीं है, माँ है, उपले बनाती है, घर घर आते उसके उपले, बड़े अच्छे होते हैं। हरिओम। उससे इतने उपले मांगो कि जितने उपले बनाने का स्वप्न भी उसने कभी ना देखा हो। माँ बेटी को घर में बिठा के रखेगी, उपले बनवाएगी। अपनी प्रजा के उद्धार के लिए कितना कुछ करना पड़ता है माधव। शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार केवल पुरुषों को है, और वो भी ऊंची जात के, और इस नियम को कोई बदल नहीं सकता। अरे ओ, अरे झिपरी, तू ये फिर आ गई, तू ये नहीं पढ़ सकती। नमस्ते। जो भी पढ़ाते हैं मैं सब सुन सकती हूँ। आज का पाठ पढ़ने के लिए मैं कब से इंतजार कर रही थी। शुरू करिए ना। तुम विद्यालय में पढ़ना चाहती हो सबके साथ? हाँ। ठीक, तो मैं कल तुम्हारी एक परीक्षा लूंगा। परीक्षा? वो क्या होती है? मैं तुमसे कुछ सवाल पूछूंगा, और अगर उन सवालों का तुमने सही जवाब दिया तो मैं तुम्हें इस विद्यालय में सबके साथ पढ़ने की अनुमति दूंगा। सच? मैं अभी साई को बता कर आती हूँ। साई, मुझे विद्यालय में पढ़ने देंगे वो? कौन? अरे वो गुरुजी, उन्होंने मुझे कहा कि वो मेरी परीक्षा लेंगे, जिसके बाद मैं भी विद्यालय में पढ़ सकती हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है, ले दो परीक्षा। हाँ, वो गुरुजी कह रहे थे कि वो मुझे सवाल पूछेंगे जिसका मुझे जवाब देना होगा, पर कैसे सवाल पूछेंगे? और सिर्फ परीक्षा मेरी ही क्यों? किसी ने तो परीक्षा नहीं दी। लक्ष्मी, इस संसार में आकर भगवान ने भी परीक्षा दी है, तो फिर परीक्षा से घबराना कैसा? और तुम्हारी परीक्षा इसलिए बड़ी है
क्योंकि इसमें अनगिनत झिपरियों के सपने छिपे हैं, उनकी शिक्षा प्राप्ति की राह छिपी है इसमें। अनगिनत झिपरियां, वो कहाँ है? मुझे तो आपकी बातें ना समझ में नहीं आती। मैं तो आपको बस परीक्षा के बारे में बताने आई थी। मैं चलती हूँ। लेकिन अगर सवाल जवाबी परीक्षा है तो मैं आपसे दिन भर सवाल करती हूँ। इसका मतलब मैं भी आपकी परीक्षा लेती हूँ क्या? बिल्कुल सही समझ गई तुम। और जैसे मैं शांति से धैर्य से तुम्हारे सारे सवालों के जवाब देता हूँ, वैसे ही तुम्हें परीक्षा में सारे प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। लेकिन अगर मैंने आपकी तरह उत्तर दिए तो कोई भी नहीं समझ पाएगा। मैं तो ऐसे उत्तर दूंगी जो मैं उत्तर तो दे पाऊंगी ना। जरूर जरूर दे पाओगी उत्तर। आप इतने विश्वास से कैसे कह सकते हैं? क्योंकि मुझे अपने मालिक के इंसाफ पर पूरा यकीन है। मैं चलती हूँ। आज मेरी परीक्षा है, जिसके बाद मैं भी यही विद्यालय में पढ़ूंगी। तुझसे किसने कह दिया मूर्ख कि तू यहाँ पढ़ सकती है? मैंने कहा है। और अगर तुम दोनों कोई परेशानी है तो विद्यालय से बाहर जा सकते हो। यही सिखाया तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें? इस तरीके से बात करते हैं दूसरे इंसान से? इंसान कहाँ है ये, इन्हें तो मंदिर में भी प्रवेश की अनुमति नहीं है। हाँ, लेकिन विद्यालय में अनुमति मिल सकती है। तैयार हो? सरकार की बात तो याद है ना, ऐसी परीक्षा होनी चाहिए कि इसके बाद कोई भी लड़की शिक्षा पाने के बारे में सोचने का साहस ही ना करे, समझे? जिप्री, दिखाई दे रहा है ना तुम्हें ठीक से? बढ़िया ये पढ़ाई करने वाली। तेरी माँ का दिमाग खराब हो गया जो तुझे यहाँ भेजा है। अपनी लड़की को गांव के लड़कों से बराबरी करने के सपने दिखा रही है। अरे लड़कियों को घर का काम सीखना चाहिए। अब मुख के बल गिरेगी, होश ठिकाने आ जाएंगे, इसके भी इसकी माँ के भी। नमस्ते, मैं तात्या की आई। वो आज उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो यहाँ आ नहीं पाएगा। कोई बात नहीं। अध्यापक जी, परीक्षा आरंभ कीजिए। जहाँ ज्ञान की देवी ही सरस्वती, जिस संस्कृति में लोपामुद्रा, मैत्री, कार्की जैसी महान स्त्रियों ने वेदों की ऋचाएं लिखी, वहां आज उन्हीं की भूमि पे एक बेटी को शिक्षा पाने से मैं कैसे रोकूं? यह धर्म? आज अगर झिपरी इस परीक्षा में सफल हुई तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे होगी। तैयार हो?
क्या हुआ? सांप सूंघ गया? अभी तो परीक्षा आरंभ भी नहीं हुई है। मैं तैयार हूँ। मैं तुमसे 3 सवाल पूछूंगा और अगर उनमें से तुमने 2 सवालों के भी जवाब सही दिए तो तुम्हें इस विद्यालय में दाखिला मिल जाएगा। ये तुम्हारा पहला प्रश्न। जिप्री, तुम्हें इस खाली जगह पर सही अक्षर लिखना है। इतना सोचेगी तो कैसे चलेगा? ये लड़कियों की बस की बात नहीं है। ये सवाल छिपरी से पूछा गया था, तुमसे नहीं। इसके बाद ना कोई बीच में बोलेगा और ना कोई हरकत करेगा, समझ गए? सरकार आप यहाँ? अरे ओ, इसमें अचंभित होने वाली कौन सी बात है? अपना विद्यालय है, विद्यालय में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, इस पर ध्यान रखना भी तो मेरा कर्तव्य है। वैसे हो क्या रहा है यहाँ? परीक्षा हो रही है सरकार इस लड़की की। यदि इसने अध्यापक जी के प्रश्नों के उत्तर दे दिए तो अध्यापक जी से विद्यालय में दाखिला देंगे। यदि उत्तर दे दिए का क्या अर्थ है? अवश्य उत्तर देगी, है कि नहीं? अध्यापक जी पूछिए, प्रश्न पूछिए। जिप्री, तुम्हारे लिए दूसरा प्रश्न। तुम्हें इन 3 अक्षरों को जोड़कर एक सही शब्द बनाना है। मैं
जैसे मैं शांति से धैर्य से तुम्हारे सारे सवालों के जवाब देता हूँ, वैसे ही तुम्हें परीक्षा में सारे प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। बता बता। हरिओम। कितनी समझदार है ये लड़की, अद्भुत। यदि अध्यापक जी की अनुमति हो तो एक प्रश्न मैं पूछ सकता हूं इस लड़की से? जी पूछ सकते हैं। ये है मेरा अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न। यदि तूने इसका सही सही उत्तर दे दिया तो तेरा दाखिला पक्का। पढ़ के बताओ इसे। पर ये तो मैंने सीखा ही नहीं। तो तुझे क्या लगा, तुझे सब आसान आसान सवाल ही पूछे जाएंगे? विद्यालय में दाखिले का मामला है, कोई मामूली बात नहीं। ये तो गिनती है, इसमें क्या उपले बनाती है ना, तो गिनती भी होगी। गिनती करना जानती हूँ, पर गिनती लिखना या पढ़ना नहीं। तो फिर हार मान ले और कह ले सबसे कि तू परीक्षा में असफल रही। ये साई का नाम क्यों ले रही है, जबकि साई तो यहाँ है ही नहीं।
विष्णु भगवान के 10 अवतार है। पहला मत्स्य अवतार। दूसरा कुर्मा अवतार। तीसरा वरा अवतार। चौथा नरसिंह अवतार। पांचवा वामन अवतार। छठा परशुराम अवतार। सातवा राम अवतार। आठवा कृष्ण अवतार। नौवा बुद्ध अवतार। और दसवा कल्कि अवतार। अध्यापक जी, जिपरी तो परीक्षा में उत्तीर्ण हो गई, अब तो आप इसे विद्यालय में सबके साथ पढ़ने की अनुमति देंगे ना? हरिओम। अनुमति तो इसे अवश्य मिलनी चाहिए, कोई कारण ही नहीं है इसे रोकने का। लेकिन अप्पा जी, अनुमति से क्या होता है? अगर ये पढ़ना चाहती है तो तख्ती चाहिए, पुस्तकें चाहिए, वो कहां से लाएंगी बेचारी? अगर आप चाहते हैं कि छिपरी इस विद्यालय में पढ़े तो फिर कुछ भी संभव है। आप बस अनुमति दीजिए, तख्ती और पुस्तकों की व्यवस्था मैं करूंगा, मैं सब प्रबंध करूंगा। छिपरी, विद्यालय में तुम्हारा स्वागत है। परीक्षा में सफल हो गई। अब से हर रोज विद्यालय जाने की तैयारी कर लो। तुम हर माँ को लगता है कि दुनिया में होने वाले हर अच्छे काम में
उसके बच्चे का हाथ है। लेकिन भाईजा मां, मैं तो सिर्फ साधन हूं। इच्छा उसकी, नियत इसकी, मेहनत इसकी। आज लक्ष्मी को सच्चा गुरु मिल गया। जाओ लक्ष्मी। समाज इंसानियत से कितनी ही ऊंची दीवार क्यों ना उठा ले, लेकिन एक ना एक दिन हर दीवार को गिरना ही होता है, क्योंकि इंसानियत से ज्यादा ताकतवर इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। और जब तक इंसानियत जिंदा है, समाज में बराबरी का यह संघर्ष चलता रहेगा। हर ऊंच नीच को मिटाने का संघर्ष, हर कमजोर शक्तिशाली को मिलाने का संघर्ष, हर छोटे बड़े को समान रूप से अपनाने का संघर्ष। भिक्षा देमा, आज नियम का उल्लंघन नहीं होने दूंगी, आपको खाली हाथ नहीं जाने दूंगी। कहां चली गई? आई, अनुमति दीजिए। कहां गायब हो गई थी? आनी डालो ना। आप भी ना, एक क्षण रुक नहीं सकते। भिक्षा देने गई थी। किसे? वही जो उस दिन हमारे घर से खाली हाथ लौट गए। अच्छा, वो बैरागी? जी, भले मालूम पड़ते हैं। देखिए ना कैसे काशीराम को ठीक कर दिया उन्होंने। आजकल रोज किसी ना किसी से सुनती रहती हूँ कि कैसे उन्होंने और भी लोगों का इलाज किया है। जानता होगा छोटा मोटा नुस्खा कोई, उसी से लोगों की मदद करता होगा। इससे वो वैद्य थोड़े ना हो गया। शिरडी के वैद्य तो एक ही हैं, और वो है कुलकर्णी सरकार। अब कुलकर्णी सरकार का नाम ले ही लिया है तो जाके मिल भी आइए। पीठ और हाथ के निशान दिन ब दिन बड़े होते जा रहे हैं। चला जाऊंगा, काम पूरा हो जाए मेरा, मिलाऊंगा उनसे। बिल्कुल नहीं, आप इतने दिनों से यही कह रहे हैं, आज उनसे मिले बिना आप काम शुरू ही नहीं करेंगे। खाइए मेरी कसम। फिर कसम? अरे समझा करो, तुम्हारी कसम है ये। ऐसे हर एक छोटी छोटी बातों पे नहीं खाई जाती, इसे तुम बड़ी बड़ी बातों के लिए रखा करो। जैसे अब बातों से मुझे ना बहकाइए, चुपचाप कसम खाइए। कसम ही खानी है ना। क्या कर रहे हो आप? साड़ी का रंग कच्चा है, उतर गया तो नई ला कर देनी होगी। रंग नहीं भी उतरा ना तो भी हाट से तुम्हारे लिए नई साड़ी लेकर आऊंगा, और भी रंगों वाली। मेरे जीवन का रंग आपसे है, साड़ी लाए या ना लाए, मेरे लिए आज कुलकर्णी सरकार के पास जाइएगा जरूर।
ये यहाँ कैसे आ गया? अरे क्या गिर गया? अरे चूता, विश्वनाथ जी आप आइए ना। वो मुझे लगता है बहुत दिनों बाद देखा ना आपको, इसीलिए शर्मा गई। अंदर आइए ना आप। रुको रुको रुको, साईं, अस्सलाम वालेकुम। राम जी भला करेंगे। मुझे पहचाना? मैं उस्मान। आपकी दुआ और दवाओं से सब लोग ठीक हो रहे हैं। राम जी भला करेंगे। शिरणी में हाट की तैयारियां शुरू हो रही हैं। दुकान लगाने जा रहा हूं। साईं रुको। अरे पर इस बार लेना ही पड़ेगा आपको। पिछली बार मैं आपकी ठीक से खिदमत भी नहीं कर पाया था। पर मैं इसका क्या करूंगा? इसे मेरी अकीदत समझकर कबूल फरमाइए। इजाजत दीजिए, फिर मिलूंगा। राम जी भला करेंगे। आवाज पंता जी उठाइए। केवल लड्डू खाने से कुछ नहीं होता है पंता, उसे पचाना भी पड़ता है। चलिए 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 उठाइए। जिम्मेदारियां संभालना सीखो, नहीं तो दायित्व ही स्वीकार मत करना। प्रणाम कुलकर्णी सरकार। आओ विश्वनाथ जी आओ। आज यहां का मार्ग कैसे स्मरण हो गया? सरकार मैं जीव को वापस ले जाने आया। इतने दिन हो गए, घर में सब पूछने लगे हैं बहू कब लौट रही है। अखाड़ा व्यायामशाला का हो या गृहस्थी का, प्रवेश तभी करना चाहिए जब पूरी तैयारी हो गई हो। लेकिन मैंने तो हमेशा चेहू को खुश रखने की कोशिश की है। मेरी बहन अगर सुखी होती तो अपने भाई के घर कभी नहीं रहती। इसका अर्थ यह है विश्वनाथ जी कि आपका प्रयास पर्याप्त नहीं है। और इतना ही था तो मुझसे कहते, अगर इस सरकार से कहकर मैं आपको नौकरी दिलवाता। सरकारी नौकरी में कम से कम मेरी संस्कृत पाठशाला बहुत है गुजारे भर के लिए। लेकिन मेरे बहन के लिए बहुत नहीं है।
देखो मैं पति पत्नी के बीच नहीं पड़ना चाहता। जाकर चीव से पूछो वो तुम्हारे साथ आना चाहती है कि नहीं। हरि ओम। आइए। साये। अरे लक्ष्मी, आज विद्यालय का पहला दिन है मेरा। खूब मन लगाकर पढ़ाई करना। लेकिन पता नहीं क्यों ऐसी घबराहट सी लग रही है। ये लो, अच्छा काम करने से पहले मुंह मीठा करोगी तो घबराहट भी दूर हो जाएगी। अच्छा एक बात पूछो। पूछो। विद्यालय में सिर्फ मैं ही लड़की हूँ, और जो लड़कियाँ हैं वो क्यों नहीं जा सकती मेरे जैसे? बिल्कुल जा सकती हैं। क्यों नहीं जा सकती? विद्या तो सभी के लिए होती है। जिप्री की परीक्षा सबने देखी है साईं। क्या गांव की हर लड़की को ऐसी परीक्षा देनी होगी? कहां दे पाएगी हर लड़की ऐसी परीक्षा? इससे तो अच्छा है कि घर में ही बैठी रहे। जिस समाज में स्त्रियों को बराबर का अधिकार नहीं मिलता वो समाज कभी भी न्यायपूर्ण नहीं हो सकता। और कई बार अधिकार सिर्फ चाहने से नहीं मिलता, अधिकार मांगना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है परिवर्तन के लिए। और अगर हम ही लोग संघर्ष से घबराने लगे तो फिर अपनी बेटियों को पढ़ाएंगे कैसे? विद्या की देवी सरस्वती है जहां, फिर वहीं कन्याओं को शिक्षा पाने में इतनी कठिनाई क्यों? मूर्ति में तो हम सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा ढूंढ लेते हैं, पर अपनी ही बेटी में हमें ईश्वर तत्व तो नजर क्यों नहीं आता? नजर आता है? मुझे तो नहीं लगता। क्योंकि अगर नजर आता तो हम सब समझ पाते कि ऊपर वाले ने हम सबको बराबर बनाया है। उसने कभी नहीं कहा है कि हम पक्षपात करें। फिर हम इंसानों ने यह दीवार क्यों खड़ी की? क्या डर है हमें अगर हमारी बेटियां विद्या प्राप्त करने के लिए घर की दहलीज लांगे? क्यों अपनी बेटियों को शुरू से हम यह सिखाते हैं कि वो अलग है, पुरुषों से कम है? हमें इस सोच को बदलना होगा, और युगों से चली आ रही इस सोच को बदलने के लिए एक क्रांति की जरूरत है। घर घर में क्रांति। जब तक हर घर नहीं बदलेगा ये समाज नहीं सुधरेगा। सरकार की जय हो। क्यों राणो जी, ऋण लेने आया है? नहीं सरकार, दवा लेने आया हूं। दवा? क्या कष्ट है? कोई रोग नहीं है तुम्हें, थोड़ा ध्यान से कूद फांद करो तो पैर नहीं छिलेगा। मैं दवा लगा देता हूं। जय खंडोबा जी, आप यहां आए और हम खंडहर चले गए थे आपको ढूंढने। यमुना के ब्याह की तारीख तय हो गई। आपकी कृपा से वो भी जल्दी तय हो जाएगी साईं। अभी तो मेरे बेटे को अंग्रेज सरकार में पुलिस की नौकरी मिली है। अल्लाह मालिक। इतने दिनों से सोच रहा हूं कि आपको कुछ भेंट करूं, लेकिन कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि आपको क्या दूं। एक लोटा जल। जल?
दे सकते हैं? जी। साई, इलाज करने के तरीके को लेकर गांव वाले बहुत ही हैरान रहते हैं साईं। मिट्टी, पानी, पत्ती, किसी को कुछ समझ नहीं आता कि आप ये कैसे करते हैं। और तो और, इन गांव वालों का ये मानना है कि साईं का इलाज सिर्फ साईं कर सकते हैं और किसी वैद्य की बस की बात नहीं। इलाज सिर्फ दवाओं से कहां होता है मालसापति? इलाज करने वाले के मन में क्या चल रहा है ये जरूरी है। इलाज करने के पीछे उसकी भावना क्या है ये भी जरूरी है। अगर विद्या और भावना मिल जाए तो कुछ भी संभव है। जलन होती है? खुजली? नहीं, कुछ भी नहीं। ये इतने ही हैं या बढ़ रहे हैं? नहीं, पहले छोटे थे, अब बढ़ते जा रहे हैं। और कहाँ कहाँ है ये? हाथों पर, पीठ पर, पेट पर और पैरों पर। मेरी बीवी कहती है कि मैं ज्यादा सब्जी नहीं खाता ना, इसलिए हो रहा है। रोग का कारण जानती है तो उपचार क्यों नहीं किया? यहाँ आने का कष्ट क्यों किया? आजकल हर कोई वैद्य बनना चाहता है। अंता, दर्द होता है? सुना नहीं सरकार ने क्या कहा? घर के बाहर जाके खड़े रहो। जल्दी तू
तुमने उसके कमीज को हाथ लगाया था? हाथों पहले मैंने तुम्हें कहा था राणो जी, घर के बाहर जाके खड़े रहो, जाओ और बाहर। मुझे हुआ क्या है? कोई चिंता की बात तो नहीं है? परिवार में कितने लोग हैं जी? मैं एक प्रश्न एक ही बार करता हूं राणो जी। 5 लोग, मैं, मेरी पत्नी, मेरा भाई, भाभी और उनका बेटा। प्रेम करते हो अपने परिवार से? प्राण बसते हैं मेरे उन सब में। और शिरडी से प्रेम करते हो? यही पैदा हुआ हूँ सरकार, यही घर है मेरा। जिस तरह मैं अपने परिवार से दूर नहीं रह सकता, उस तरह मैं शिरडी से भी दूर नहीं रह सकता। अब रहना पड़ेगा अपने परिवार से, और शिरडी से दूर रहना पड़ेगा राणो जी। मैं समझा नहीं। ये दूरी देख रहे हो राणो जी? ये दूरी तुम्हारे रोग का सत्य है, और ये एक ऐसा रोग है जिसमें तुम्हें हर एक से दूरी बनाए रखनी होगी, क्योंकि जो भी तुम्हारे समीप जाएगा वो इस रोग का शिकार हो जाएगा। लेकिन क्यों सरकार? पीछे पीछे ऐसा कौन सा रोग है ये? कुष्ठ रोग। नाम तो सुना होगा अनुजी, तुम्हारा ये पूरा शरीर धीरे धीरे सड़ने लगेगा, दुर्गंधी आएगी तुम्हारे शरीर से, ये तुम्हारी उंगलियां, ये नाक, कान सब सड़ने लगेगा, घृणा होगी सबके मन में तेरे प्रति। जब पीड़ा होगी तो कोई औषधि भी लगाने नहीं आएगा। एक ऐसा रोग है जिसके प्रति किसी के मन में दया नहीं होती, और राणो जी ये तेरे पिछले जन्म का पाप है, पिछले जन्म का कर्म है जो इस जन्म में इस रूप में तू भुगत रहा है। मेरे पास कोई उपचार नहीं है इस रोग का, और यदि मेरे पास नहीं है तो समझ लो किसी के पास नहीं है। जाओ। के इलाज के लिए मन में सेवा भाव, रोग के लिए संवेदना और रोगी के लिए सम्मान, तो हर रोग ठीक हो जाता है। बच्चों, कुछ ही देर में कक्षा शुरू होने वाली है। नमस्ते गुरुजी।
अरे तुम खड़ी क्यों हो? अंदर आके बैठो। कहाँ बैठूं? जहां तुम्हारा मन करे। अब ये तुम्हारा विद्यालय है, तुम्हारी कक्षा है। इनके साथ बैठने से कहीं इनको बुरा ना लगे। ये तो भूल ही गई मैं, ये गुड़ लाई थी, सबको दे दूं? गुरु के हाथ से मिले तो आशीर्वाद होता है ना। ठीक है, तुम्हें किसने दिया ये? मेरे साईं ने। मेरे साईं? कुछ तो है साईं में कि जो भी उनसे मिलता है उन्हें अपना मानने लगता है। साईं है ही ऐसे, दोस्त की तरह। अच्छा, साईं ने कुछ सिखाया है मुझे। क्या सिखाया? दिन की शुरुआत करने का मंत्र सुनाओ। हाँ हाँ सुनाओ, यहाँ आके सुनाओ। सब पहले हाथ जोड़ो और मेरे साथ बोलो। ओम ओम असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांतिः, ओम शांति 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 ही, ओम शांति शांति शांति। अपने परिवार से और शिरडी से दूर रहना पड़ेगा राणो जी। ये दूरी देख रहे हो राणो जी, ये दूरी तुम्हारे रोग का सत्य है। राणो जी तुम्हारा ये पूरा शरीर धीरे धीरे सड़ने लगेगा, घृणा होगी सबके मन में तेरे प्रति। मेरे पास कोई उपचार नहीं है इस रोग का, और यदि मेरे पास नहीं है तो समझ लो किसी के पास नहीं है। दो साई काम ले हाथ में।